हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कृपा करके शेयर कर दे सबको। यस, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। शेयर कर दो भाई फटाफट अपने ग्रुप में, इधर उधर जहां भी करना है। मेरे जो फेस टू फेस वाले स्टूडेंट है प्लीज अपने ग्रुप में शेयर कर दो। यूट्यूब वाले जो है अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप में शेयर कर दो। हम दो मिनट में इसको शुरू करते हैं। 5 मार्क्स का इससे आता ही आता है, 1 घंटे के अंदर इसका पूरा मैराथन हो जाएगा। जस्ट अ मोमेंट। हाँ जी ठीक है सर, लॉ बहुत रुला रहा है। अरे तुम लॉ को रुलाओ यार, लॉ तुमको कैसे रुला सकता है यार, लॉ इतना अच्छा सब्जेक्ट है। चलिए शेयर वेयर कर दिए तो बोलो शुरू करूं फिर। 5 मार्क्स का आता है इससे कंपल्सरीली। शुरू करते हैं सर जी। बिल्कुल मेरे को ऐसा लगता है कंपनीज एक्ट में बहुत लोगों को प्रॉब्लम थी, कल खटाखट लोग जुड़ गए थे उसमें। यस ठीक है, शेयर कर दिए कि नहीं किए ये बताओ पहले। बहुत सारे थे। यस सर, बस सेक्शन नंबर कैसे लर्न करें थोड़ा बता दीजिए। बेटा सेक्शन को याद करने की जरूरत नहीं हो तो फ्लो में आता है साथ में। ऐसे अलग से सोचोगे कि याद कर लूं उसको तो याद नहीं होगा। और कितने सेक्शन याद करोगे यार, हर एक एक्ट के अंदर अलग अलग सेक्शन है। ठीक है चलो, कर दिया ग्रुप में शेयर, अभी किया है सर। सर वेट, ओके। मैं वैसे एक वीडियो ला रहा हूं ये लॉ के रिगार्डिंग, कि उसको एग्जाम में लिखना कैसे, रिटेन करके कैसे ले जाना है। पहली बात तो ये याद करने वाली चीज अपने दिमाग से हटा दो, समझे क्या? चलिए। यस यस यस, राम राम एवरीबॉडी। सर सेक्शन लिखना जरूरी है? हाँ मतलब लिखोगे तो डेफिनेटली एक इंप्रेशन अच्छा जाता है, नहीं भी लिखोगे तो कुछ बहुत भारी का बिगड़ेगा नहीं। हाँ जी बिल्कुल, अपनी लैंग्वेज में ही लिख सकते हो आप। कैसे पूरा कट टू कट कॉपी पेस्ट नहीं मार सकते ना आप, मॉड्यूल की पूरी एज इट इज चीजें तो मैं नहीं लिख पाऊंगा। विपुल बोल रहा थैंक्स सर इतना सब करने के लिए, थैंक यू टू यू टू बेटा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज अपन शुरू कर रहे हैं अपना LLP एक्ट 2008। ठीक है, 1 घंटा हार्डली लगेगा इसको, फटाक से चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके अंदर टोटल आपको 81 सेक्शन मिलते हैं, 4 शेड्यूल मिलते हैं कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। शेड्यूल में अपने को कोई लेना देना नहीं कि शेड्यूल में क्या है, बस बताया हुआ है कि शेड्यूल ये, आपके सिलेबस में शेड्यूल है नहीं। तो यहां पे मैं टू द पॉइंट एग्जाम के हिसाब से पढ़ाने वाला हूं। अगेन जैसे कल अपन पढ़े थे, बीच बीच में जहां पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि इसको आपको ध्यान से पढ़ के जाना, इसकी आने की चांसेस बहुत ज्यादा है। बराबर है क्या? So, ये जो शेड्यूल वेड्यूल है ये सिर्फ एक आपकी स्ट्रक्चर जानने के लिए कि LLP में क्या है, इसके अंदर अपन घुसने वाले नहीं है। अपन सीधा LLP के कंसेप्ट में आते हैं। सब लाइक ठोक दो भाई फटाक से लाइक ठोक दो सारे के सारे। ठीक है ओके। अब मैं अगर बात करूं मीनिंग एंड कंसेप्ट की, तो मीनिंग एंड कंसेप्ट में ऐसा है, मैं इसमें हमेशा दो लोगों को साथ में रखता हूं, एक कंपनी को एक LLP को। अगर आप ध्यान देंगे तो कंपनी के अंदर मेंबर्स होते हैं और पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स होते हैं। LLP इन दोनों की मिक्स है, LLP इन दोनों की मिक्स है। सर कैसे समझाइए, समझाता हूं ध्यान से सुनना। अब मान लीजिए किसी को कंपनी नहीं खोलनी क्योंकि कंपनी में लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा है,
अरे आपको कंपनी बनानी है तो पहले आपको नेम अवेलेबल करना पड़ेगा, डायरेक्टर के लिए डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर लगता है, एमओए लगता है, एओए लगता है, डिक्लेरेशन लगता है, रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए आपको INC 22 अपने को फॉर्म भरना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती है। अब किसी इंसान को कंपनी नहीं खोलनी है क्योंकि उसको इतने सारे प्रोफेशनल काम नहीं करने, उसको इतना प्रोफेशनल हायर नहीं करना है, उसको लीगल कंप्लायंस उसको जमेंगे नहीं, उसको क्या करना है, पार्टनरशिप खोलनी है। अब भैया पार्टनरशिप खोलनी है तो पार्टनरशिप में लाइबिलिटी पार्टनर की अनलिमिटेड होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती नहीं है, कंपनी की होती है, पार्टनरशिप की होती नहीं है, बराबर है क्या? पार्टनर सारे मर गए तो पार्टनरशिप भी खत्म हो जाती है, लेकिन कंपनी में सारे मेंबर मर जाए तो कंपनी तो चलती रहेगी क्योंकि परपेचुअल सक्सेशन है। पार्टनरशिप फर्म के नाम से आप गाड़ी नहीं ले सकते, आप पार्टनर के नाम से गाड़ी ले सकते हो। जो सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट कंपनी में है वो सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट पार्टनरशिप में नहीं है। तो अब एक इंसान ऐसा है कि जिसको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे को कंपनी नहीं खोलनी, यार मेरे को तो पार्टनरशिप चाहिए, लेकिन उसको यह है कि यार पार्टनरशिप में लाइबिलिटी मेरी अनलिमिटेड हो जाएगी, मेरे को अनलिमिटेड नहीं चाहिए, मेरे को तो कंपनी की लिमिटेड लाइबिलिटी चाहिए, मेरे को तो कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन चाहिए, मेरे को तो कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी चाहिए। यानी कि वो खोलना चाहता है पार्टनरशिप, लेकिन उसको उसमें फीचर सारे कंपनी के चाहिए और कंपनी नहीं खोलना है, फीचर्स कंपनी के चाहिए, कंपनी नहीं खोलना है, फीचर्स कंपनी के लिए चाहिए और पार्टनरशिप से सिर्फ पार्टनर चाहिए। इन दोनों का मिश्रण करके एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है जिसका नाम है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। तो देखो यहां पे अगर आप देखोगे तो देखो पार्टनरशिप है, उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, तो उसको लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं चाहिए, तो उसको फिर चाहिए क्या? उसको ये सारी चीजें चाहिए, लिमिटेड लाइबिलिटी, परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट लीगल एंटिटी। तो बोले एक काम करो, अनलिमिटेड है ये भी अनजान दो, ये तो है नहीं, यहां से सिर्फ उठा लो पार्टनरशिप और यहां से लिमिटेड लाइबिलिटी उठा लो, जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है जो कंपनी में होता है कि मेंबर की लाइबिलिटी अलग और कंपनी की लाइबिलिटी अलग, तो सिमिलर वे में ये रहेगा पार्टनरशिप, लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप रहेगी, परपेचुअल सक्सेशन रहेगा और सेपरेट लीगल एंटिटी रहेगी। यानी कि सर हमने ना वो तीनों फीचर कंपनी के उठाए और पार्टनरशिप से सिर्फ पार्टनरशिप उठाया, उसके फीचर नहीं उठाए, उसके फीचर तो गंदे अनलिमिटेड वाले, ये दोनों को मिक्स किया तो नाम आता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और इसको बोला जाता है हाइब्रिड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हाइब्रिड फॉर्म क्यों बोल रहा है? क्योंकि ये एक ब्रीड और दूसरी ब्रीड को मिक्स करके तीसरा नहीं आया है, एक कोई दूसरी ब्रीड है, ये कोई दूसरी ब्रीड है, ये कोई तीसरा निकल के आया है। होता है ना लैब्राडोर और पोमेलियन के अगर मीट करवा दो तो कोई हाइब्रिड ब्रीड निकल के आती है, बस वैसा ही है, समझ में आ रही है क्या बात? तो ये कंपनी के फीचर लिए, वहां से सिर्फ पार्टनरशिप उठाए और LLP किए। कारण इसका सिंपल सा है, रखना सिर्फ पार्टनरशिप है, लेकिन पार्टनरशिप में रहते हुए भी अपने को लाइबिलिटी लिमिटेड चाहिए, अपने पार्टनरशिप की सेपरेट लीगल एंटिटी चाहिए, अपने पार्टनरशिप की अपने को परपेचुअल सक्सेशन चाहिए, रहना पार्टनरशिप में लेकिन कंपनी के फीचर। तो इसको बोलते हैं हाइब्रिड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड यहां से आया है LLP। समझ में आ गया तो थम्स अप करिए जोरदार, ठीक है? उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। फिर अगर मैं बात करूं अब इसकी मीनिंग की, तो मीनिंग में यहां पे देखो अपने को क्या बोला, न्यू फॉर्म है लीगल बिजनेस का विथ लिमिटेड लाइबिलिटी। पार्टनरशिप में अनलिमिटेड होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी है, ये अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव क्या? कि आपको रहना तो कंपनी के जैसे लेकिन कंपनी नहीं खोलना है, तो बोले फिर एक अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस फॉर्म है। ठीक है सर, समझ में आ गया। ये अलाउ करता है कि आप पार्टनरशिप में रहो लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी देता है। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, अलाउ कर रहा है इट्स पार्टनर्स फ्लेक्सिबिलिटी इन अ ट्रेडिशनल पार्टनरशिप। पार्टनर्स फ्लेक्सिबिलिटी का यहां पे मतलब क्या आपको पता है क्या? पार्टनरशिप में अगर आपको याद होगा तो लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, म्यूचुअल एजेंसी होती थी, एक पार्टनर की हरकत की वजह से बाकी सारे पार्टनर लायबल होते थे। यहां पे एक पार्टनर की हरकत की वजह से बाकी सारे पार्टनर लायबल नहीं होते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और इसको हाइब्रिड फॉर्म भी बोलते हैं। अब इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, बॉडी कॉर्पोरेट को सुनिएगा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके लिए आगे आपको मैं बताऊंगा कि कौन बना सकता है LLP, उसके लिए यह समझना जरूरी है। अब बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब यहां पे समझना है। कंपनीज एक्ट में भी हमने थोड़ी सी इसकी झलक ली थी, यहां पे भी मैं इसकी थोड़ी सी झलक लूंगा। बॉडी कॉर्पोरेट जो है, एक होती कंपनी, एक होती बॉडी कॉर्पोरेट। मैं एकदम सरल शब्दों में इसका मतलब बता रहा हूं, एक बार मैं समझाऊंगा, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा। इंटर में आओगे तो एक घंटा सिर्फ इसी बात में डिस्कशन होता है, कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट पे, ठीक है?
कंपनी का मतलब सिंपल सी बात, ऐसी कंपनी जो सेक्शन 2 क्लॉज 20 में डिफाइन की गई है, यानी कि कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, ये कंपनी हो गया। बॉडी कॉर्पोरेट की जो डेफिनेशन है ऐसा है, बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। इंक्लूड्स का मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया तो है ही कंपनी। वापस से बोलता हूं, बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। कहने का मतलब है, इंक्लूड्स का मतलब जो कंपनी बाहर बनी है ना वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है, यानी कि जो कंपनी इंडिया में बनी है वो तो है ही, जो बाहर बनी है कंपनी वो भी बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ कंपनी। इंक्लूड्स अ कंपनी यानी कि वो भी कंपनी है और ये भी कंपनी है। कंक्लूजन निकालूं तो सर, बॉडी कॉर्पोरेट एक बहुत बड़ा टर्म है जिसके अंदर इंडिया की भी कंपनी आ जाएगी और जिसके अंदर बाहर की भी कंपनी आ जाएगी। यानी कि सर, रिलायंस टाटा बिरला तो है ही कंपनी, लेकिन क्या हम उसको बॉडी कॉर्पोरेट भी बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट एक बड़ा टर्म है। बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर इंडिया की भी कंपनी आ जाएगी जो कंपनीज एक्ट 13 और प्रीवियस लॉ में बनी, और बॉडी कॉर्पोरेट में बाहर की भी कंपनी आ जाएगी जो बाहर के लॉस के हिसाब से बनी है। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब और अगर बताऊं तो बोले बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, जिसके पास परपेचुअल सक्सेशन है, जो अपने नाम से स्यू कर सकता है, उसको कोई स्यू कर सकता है, सारे कंपनी के फीचर होते हैं उसके पास, बराबर है क्या? सिमिलर वे पे LLP की भी सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो भी स्यू कर सकती है, वो भी अपने नाम से प्रॉपर्टी ले सकती है, उसका भी परपेचुअल सक्सेशन है। तो देखो यहां पर भी क्या लिखा है, बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स LLP जो 2008 वाले में बनी है वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है, LLP जो आउटसाइड बनी है यानी कि बाहर के लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के हिसाब से बनी है वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है, तीसरा ऐसी कंपनी जो बाहर बनी है तो अपने को पता है वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है। अब ये जो नीचे वाली बात है इसको आप इग्नोर करें, आपके LLP में इनने क्या किया आपको पता है क्या? 1956 वाला जो बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन था ना वो उठा के दिया है, तो जितना जरूरी था अपन ने पढ़ लिया कि सर LLP मतलब बॉडी कॉर्पोरेट की अगर बात करें तो वो हर वो एंटिटी, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब हर वो एंटिटी जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है, वो किसी को स्यू कर सकती है, उसको कोई स्यू कर सकता है, सिंपल सी बात, जिसके पास पूरे कंपनी वाले फीचर्स हैं, तो चाहे वो बाहर की हो चाहे वो इंडिया की हो वो एंटिटी, वो बॉडी कॉर्पोरेट है। हाँ सर, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मुद्दे की बात आती है सर, जैसे कि यहां पे अपन ने बोला कि पार्टनरशिप, तो क्या पार्टनरशिप एक्ट 1932 लगेगा क्या क्योंकि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है? नहीं बेटा, पार्टनरशिप एक्ट 1932 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में ही लगेगा, मतलब वहां पे जो प्योर पार्टनरशिप होगी, जो LLP नहीं होगी, यहां पे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट लगेगा। तो जैसे वहां पे पार्टनरशिप डीड में पार्टनरशिप एक्ट 1932 लगता था, यहां पे पार्टनरशिप डीड की जगह होता है LLP एग्रीमेंट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, दोनों का मतलब सेम है। वहां पे पार्टनरशिप डीड बोलते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंदर उसी पार्टनरशिप को LLP बोलते हैं क्योंकि नाम ही क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी। तो यहां पे 1932 वाला वो लगने वाला नहीं है। अब मुद्दे की बात आती है सर, पार्टनर कौन कौन बन सकता है वहां पे? मैंने आपको जब पार्टनरशिप पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि नेचुरल पर्सन भी बन सकता है और आर्टिफिशियल भी पर्सन बन सकता है। सिमिलर वे पे यहां पे भी है, इंडिविजुअल आप और मेरे जैसा बंदा पार्टनरशिप कर सकता है, लिमिटेड लायबिलिटी और बॉडी कॉर्पोरेट। तो बॉडी कॉर्पोरेट में कौन कौन आ गया दोस्तों? यहां की कंपनी, वहां की कंपनी जो बाहर बनी है, यहां की LLP, बाहर की LLP, सब मिलकर कर सकते हैं। कहने का मतलब इंडिया की कोई कंपनी और बाहर बनी हुई कंपनी भी LLP बना सकते हैं, बाहर की दो कंपनी मिलके इंडिया में LLP बना सकते हैं, यहां पे दो नेचुरल पर्सन मिलके LLP बना सकते हैं। ठीक है सर, समझ में आ गया। दूसरे की बात है कि अब ये कौन नहीं बना सकता है, यहां पे थोड़ी सी बारीक वाला पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा, कौन नहीं बना सकता है? तो बोले अनसाउंड माइंड। क्यों भैया? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से ये इनकैपेसिटेटेड है, इसके पास सेन ही नहीं है कुछ। ठीक है, अब यहां पे जो दो बातें, ये दोनों लिंक करने वाली है, एक अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट और एक अप्लाइड टू बी डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट, दोनों का फर्क समझिए क्या बोलता है। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट का मतलब ये है, अब इंसॉल्वेंट किसी इंसान को आप कब बोलते हो? जब उसकी लायबिलिटी उसके असेट से बहुत ज्यादा हो जाती है। फॉर सपोज असेट 5 करोड़ की है और लायबिलिटी 50 करोड़ की है, पे करने की हालत में नहीं है,
तो अब इसमें दो मुद्दे हैं, यहां पे देखो क्या बोला, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। अब अनडिस्चार्ज इसको क्यों बोलते हैं समझिए, भाई साहब के पास क्या हुआ, बिजनेस इसका पूरा लॉस में गया, 5 करोड़ की एसेट बची है, 50 करोड़ की लाइबिलिटी है। इनने क्या किया, कोर्ट में अप्लाई किया कि जज साहब मेरे को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाए, मेरे पास अब पैसे वैसे नहीं है, मैं किसी को पैसे नहीं दे पाऊंगा, ये 5 करोड़ रखा है इसको आप ले लो करके। कोर्ट ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की और बोला कि अरे यार ऐसा तो नहीं, इसके पास तो बहुत प्रॉपर्टी है, इसकी तो 100-150 करोड़ की प्रॉपर्टी है, हमने सुना है आउटसाइड इंडिया भी है, इंडिया के अंदर भी है। बोले चल 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 चल, तू फालतू आदमी, तेरे को इंसॉल्वेंट नहीं बोलेंगे, तू अनडिस्चार्ज है। अनडिस्चार्ज का मतलब कि तेरे पास तो पैसे हैं साले, तू झूठ बोल रहा है, तेरे को डिस्चार्ज नहीं करेंगे, तू अनडिस्चार्ज है। अब वो क्या बोल रहा था कि मेरे को इंसॉल्वेंट बोल दो, तो कोर्ट जैसे बोल देता हाँ ये इंसॉल्वेंट हो गया, अभी पैसा नहीं दे पाएगा, बराबर है क्या? कोर्ट ऐसा नहीं बोला, कोर्ट ने ये बोला कि नहीं 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 साले तेरे पास पैसा है, तू झूठ बोल रहा है, ये होता है अनडिस्चार्ज। यानी कि उसने अप्लाई किया कि मेरे को इंसॉल्वेंट बोल दो, कोर्ट ने बोला नहीं हमारे को इन्वेस्टिगेशन से पता चला तेरे पास पैसे हैं, यू आर अनडिस्चार्ज, बराबर है क्या? तो ये नहीं बन सकता अभी, क्यों? इसकी इतनी लाइबिलिटी है ऑलरेडी, ये कैसे बनेगा? अब ये जो तीसरा पॉइंट और दूसरा पॉइंट ये कनेक्टेड है। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, अप्लाई किया है कोर्ट को टू बी डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट और उसका एप्लीकेशन पेंडिंग है। अब ये दोनों कनेक्टेड कैसे हैं आप ये समझ के लीजिएगा। सेकेंड वाला पॉइंट वो है कि उसने अप्लाई कर दिया और कोर्ट का डिसीजन आ गया, या तो उसको बोल देगा हाँ भाई तू इंसॉल्वेंट है, अब तू पैसे नहीं दे पाएगा, खत्म हो जाएगा। इंसॉल्वेंट मतलब कोर्ट नहीं बोल दिया अभी इसके पास पैसे नहीं है, नहीं दे पाएगा। अनडिस्चार्ज का मतलब क्या, नहीं 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 पैसे हैं तेरे पास, तो वो क्या है, ये सेकेंड वाला पॉइंट क्या है, कोर्ट ने डिसीजन दे दिया। तीसरा वाला पॉइंट क्या है, उसने कोर्ट को अप्लाई किया भी, कोर्ट का डिसीजन नहीं आया, उसका एप्लीकेशन पेंडिंग है। तो ये दोनों के दोनों सिचुएशन में ही वो LLP का पार्टनर नहीं बन सकता। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब इन दो के अलावा एक अपन थोड़ा सा बियॉन्ड जाते हैं। मान लीजिए सेकेंड वाले पॉइंट में कोर्ट ने उसको बोल दिया हाँ भाई तू इंसॉल्वेंट, नॉट अनडिस्चार्ज, सिर्फ इंसॉल्वेंट, हाँ तेरे पास पैसे नहीं, हमको इन्वेस्टिगेशन के पता चला तेरे पास पैसे नहीं, तू हो गया। अगले दिन कौन बनेगा करोड़पति में चले गया, बराबर है क्या? और कौन बनेगा करोड़पति में, अच्छे खासे उसने पैसे जीत के आए, 7 करोड़ रुपए जीत गया, और अपन इमेजिन कर लेते हैं कि अब उसकी लाइबिलिटी 5 करोड़ की थी, बराबर है क्या? तो 7 करोड़ जीत गया, 5 करोड़ की लाइबिलिटी है, कब? जब कोर्ट ने उसको इंसॉल्वेंट बोल दिया उसके बाद। अब वो क्या करेगा भाई, बचे 5 करोड़ उसको देगा, 2 करोड़ अभी भी इसके पास है, अब वो क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। पहले अनडिस्चार्ज था, अब क्या हो गया, डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। अब तो वो सॉल्वेंट हो गया ना, अब सॉल्वेंट हो गया, अब बन जाएगा, पहले नहीं बन सकता था। ये बारीकी थी, एक बार में किसी को भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतनी डिटेल में गए, थम्स अप कर देना, आग लगा देना। ठीक है सर, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की बात करते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स सेक्शन नंबर 6 में अपने को दिया हुआ है। कम से कम कितने चाहिए भैया, पार्टनरशिप अगर अपन बात कर रहे हैं तो पार्टनरशिप 2 से ही होती है, बराबर है क्या? ठीक है, तो 2 पार्टनर कम से कम रहेंगे। मैक्सिमम की इसकी कोई लिमिट नहीं है, जैसे पार्टनरशिप में होती, LLP में मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। फिर क्या बोल रहा है, किसी भी वक्त एनी टाइम नंबर ऑफ पार्टनर अगर बिलो 2 हो गए, पार्टनरशिप है कम से कम 2 चाहिए, किसी भी वक्त अगर नंबर ऑफ पार्टनर बिलो 2 हो गए, और बिलो 2 जब हुए, उसको होते 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 6 महीने हो गए, उस सिचुएशन में जो भी लाइबिलिटी होगी ना, तो वो जो बचा अकेला पार्टनर होगा ना, उसकी सारी लाइबिलिटी होगी, वो लायबल होगा, और LLP डिसॉल्व भी की जाएगी। क्योंकि भैया जब पार्टनरशिप बोल रहे, कम से कम 2 होना चाहिए, आप तो 2 हो ही नहीं, तो कम से कम 2 होना चाहिए थे, एक की डेथ हो गई और आप 6 महीने से एक ही में चला रहे हो, तो भाई जो अकेला है वही पूरी लाइबिलिटी बियर करेगा अब तक जो हुई है, और आपको LLP को बंद भी करना पड़ेगा। लास्ट में टॉपिक आ गया, उसको समझ के लेंगे। ठीक है जी, चलिए उसके बाद क्या बोल रहे हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर, बराबर है क्या? CMA इंटर वाले बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख सकते हैं। डेजिग्नेटेड पार्टनर की अगर मैं बात करूं, अब ये डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या, तो इसको ध्यान से समझना। जैसे कंपनी के अंदर कौन होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, जो कंपनी के ह्यूमन एजेंट होते हैं, जो कंपनी का मैनेजमेंट संभालते हैं। सिमिलर वे पे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के अंदर डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं। डेजिग्नेटेड पार्टनर वो होते हैं जो कंपनी का कंप्लायंस, कंपनी का मैनेजमेंट संभालते हैं। समझ में आई क्या बात? जब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप आप बना रहे हो, तो कुछ ना कुछ थोड़े मोड़े कंप्लायंस होते हैं, जो मैनेजमेंट होते हैं वो ये देखते हैं। तो कम से कम अपने को 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए, एटलीस्ट 2। जैसे प्राइवेट कंपनी में मिनिमम अपने को कितने डायरेक्टर चाहिए, 2 डायरेक्टर,
बराबर है क्या? तो एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट टू डेजिग्नेटेड पार्टनर, और वो इंडिविजुअल होने चाहिए और रेसिडेंट इन इंडिया होने चाहिए। रेसिडेंट इन इंडिया का क्या मतलब? जब आप एलएलपी बना रहे हो उसके इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज आप कहां होने चाहिए? इंडिया में होने चाहिए। ठीक है सर, समझ में आ गया। दो डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, दोनों इंडिविजुअल होने चाहिए और रेसिडेंट इन इंडिया होने चाहिए। पॉइंट टू बी नोटेड जज साहब, यहां पे उनको इंडियन सिटीजन होना जरूरी नहीं है, उनको सिर्फ ये बोला है इंडिविजुअल होने चाहिए यानी कि नेचुरल पर्सन और रेसिडेंट इन इंडिया होने चाहिए, सिटीजनशिप वाली कोई बात बोली गई नहीं है। ठीक है सर, कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पहले ही पता है, एलएलपी क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट है, परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट लीगल एंटिटी। अब ये फोर्थ वाला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअल एजेंसी वाला, पार्टनर्स जो है, पार्टनरशिप में क्या होता था? हर पार्टनर एक दूसरे का एजेंट और हर पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल होता था, जिसको हम बोलते थे म्यूचुअल एजेंसी। एलएलपी की यही सबसे खास बात है, पार्टनर विल बी द एजेंट्स ऑफ एलएलपी अलोन। अगर चार पार्टनर एलएलपी में, तो चारों के चारों एक दूसरे के प्रिंसिपल और एजेंट नहीं होंगे, वो चारों के चारों एलएलपी के एजेंट होंगे और एलएलपी उनकी प्रिंसिपल होगी। वो एक दूसरे के एजेंट प्रिंसिपल नहीं है, वो सिर्फ एजेंट है, वो भी किसके? एलएलपी अलोन के। नहीं तो अगर एक दूसरे के एजेंट प्रिंसिपल हो गए तो एक दूसरे के लिए लायबल होना पड़ेगा। पार्टनरशिप में ऐसा होता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अरे जैसे कंपनी में होता है ना, मेंबर कुछ गलत हरकत कर रहा है तो उसके बाकी मेंबर लायबल होते हैं क्या? नहीं, सब अलग अलग हैं। सिमिलर वे पे एलएलपी के अंदर अगर कोई एक पार्टनर गलत हरकत करता है तो उसके लिए वो खुद लायबल होता है, बाकी के पार्टनर लायबल होते नहीं है। तो नो पार्टनर कैन बाइंड अदर पार्टनर। ठीक है सर, समझ में आ गया। उसके बाद बोला है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है, कॉमन सिल ऑप्शनल है जैसे कंपनी में था, लिमिटेड लायबिलिटी यही तो उसका मेन फीचर है, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस कौन संभालता है? डेजिग्नेटेड पार्टनर, मिनिमम दो लोग होने चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। अच्छा सर, मान लीजिए एलएलपी सिर्फ दो लोग मिलके बना रहे, तो वो दो डेजिग्नेटेड पार्टनर भी होंगे और दो तो चाहिए। तो जब जहां पे मिनिमम दो तो चाहिए और मिनिमम दो अपने को डेजिग्नेटेड पार्टनर भी बोला है, तो वही दो डेजिग्नेटेड पार्टनर रहेंगे और दो से अपनी एलएलपी शुरू हो जाएगी। ठीक है, लास्ट वाला पॉइंट, बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली। बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली का मतलब ये है, एलएलपी आप समाज सेवा करने के लिए नहीं बना सकते। जैसे आप सेक्शन 8 कंपनी बना सकते थे ना चैरिटेबल पर्पस के लिए, आप एलएलपी किसी भी चैरिटेबल पर्पस के लिए नहीं बना सकते। अगर आप एलएलपी बनाओगे तो आपका सीधा उद्देश्य, आपका ऑब्जेक्ट ये होना चाहिए कि प्रॉफिट मेकिंग एलएलपी होनी चाहिए। आप एलएलपी को सोशल सर्विस के लिए नहीं बना सकते। ठीक है सर, समझ में आ गया। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा फास्ट ले रहा हूं, हमारी मेन क्लास में इसको अपन बहुत डिटेल में लेके जाते हैं। ठीक है, अब एडवांटेज क्या क्या है? तो भैया एडवांटेज ऐसा है कि एलएलपी जो है ऑर्गेनाइज और ऑपरेट होती है ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट, तो कोई नई बात तो है नहीं। जब पार्टनरशिप कैसे ऑपरेट करती है? पार्टनरशिप डीड से। एलएलपी है, एलएलपी एग्रीमेंट से ऑपरेट करेगी, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, कोई भी लीगल कंप्लायंस नहीं रहते जितने कंपनी में रहते हैं। इजी टू फॉर्म है, क्या करना पड़ता है? 3 फॉर्म भरना पड़ता है, एलएलपी बन जाती है एक दिन के अंदर। वही तुमको कंपनी अगर बनानी है तो दुनिया का तामझाम करना है। सारे पार्टनर क्या एंजॉय करते हैं? लिमिटेड लायबिलिटी, और जितनी आसानी से ये बन जाती है उतनी आसानी से ये डिसॉल्व भी हो जाती है। तो ये 5 है रीडेबल कैटेगरी पॉइंट है, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। अगर जिसको कंपनी से 2013 ढंग से समझ में आ गया, उसको ये सारी चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक, अब यहां से अपनी कुछ मेन बातें शुरू हो जाती है। 11, 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे करके लाइन से सेक्शन कनेक्टेड होते जाएंगे। अब तक की एज सच कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, इंपॉर्टेंट चीजें अब आना शुरू होगी, अभी तो आपका बेस बना है। ठीक है सर, समझ में आ गया। सर मैं सीएमए इंटर का स्टूडेंट के लिए भी है, बेसिक के लिए आप देख सकते हो, बेसिक के लिए। ठीक है, ध्यान से सुन के लीजिएगा, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। अब जैसे हमने, ध्यान से सुनना इस बात को, मैं पूरा इसको कंपनीज एक्ट के साथ लिंक करूंगा, जिसने कल का मैराथन देखा उसको तो और अच्छे से समझेगा। जब हमको कंपनी बनानी होती तो अपन आरओसी को क्या देते हैं? एमओए और एओए। अब एमओए और एओए ये इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट है, डिक्लेरेशन, ये सारी चीजें, बराबर। एलएलपी के अंदर भी आपको एमओए और एओए की जगह क्या देना पड़ेगा? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। वो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट क्या होता है, ये बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा, एक स्टेटमेंट बना के देनी पड़ती है। अलग अलग इसमें फॉर्म बताएं, E-Form 1, E-Form 2, E-Form 3, सबका मतलब बताऊंगा, ध्यान से सुनते जाना। ठीक है, चलिए अब यहां पर रिक्वायरमेंट क्या, अगर आपको एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करना है, यहां से कनेक्टेड सेक्शन रहेंगे, साथ में समझ के लीजिएगा। सबसे पहले बोले अपने को दो या दो से ज्यादा लोग चाहिए, ठीक है,
काय के लिए, एक लॉफुल बिजनेस के लिए चाहिए, ठीक है सर लॉफुल बिजनेस के लिए मिल गए, और ये अपना नाम सब्सक्राइब करेंगे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट कंपनी में क्या होता था, MORA, वहां पे सब्सक्राइबर अपना नाम डालते थे सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम एसोसिएशन क्लॉज में। यहां पे भी ये लोग जितने लोग मिलकर LLP बना रहे हैं अपना नेम सब्सक्राइब करेंगे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में। अब इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट क्या है, तो बोले वो प्रिस्क्राइब्ड है, कौन से फॉर्म में प्रिस्क्राइब्ड है अभी बोले आपको फाउंडेशन में नहीं बताएंगे इंटर में बताएंगे। तो बोले क्या है प्रिस्क्राइब, बोले आपको एक स्टेटमेंट बना के देनी है प्रिस्क्राइब फॉर्म में और प्रिस्क्राइब फी के साथ आपको ROC को देना है। क्या क्या रहेगा उसमें, बोले क्या क्या रहेगा समझते हैं, कौन देगा पहले ये समझो। तो कंपनी में कौन था, या तो एडवोकेट या तो CA या तो CS या तो CMA जो प्रोफेशनल है जो एंगेज है LLP बनाने में वो, और जितने भी लोग मिलके एंड anyone who subscribed his name to the incorporation document, ये लोग मिलके एक स्टेटमेंट देंगे कि भाई जितनी भी रिक्वायरमेंट LLP को बनाने के लिए इस एक्ट में बताई गई है हमने सारा कुछ कंप्लाई कर दिया। आपने बोला दो डेजिग्नेटेड पार्टनर, हमने दो डेजिग्नेटेड पार्टनर रखा। आपने बोला दोनों इंडिविजुअल होने चाहिए, हमने दोनों इंडिविजुअल रखा है। आपने बोला वो रेसिडेंट इन इंडिया होने चाहिए, वो दोनों रेसिडेंट इन इंडिया है, ठीक है। हमने ना LLP को बनाने के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट आपने बोली थी हमने कंप्लाई कर लिया। सर एक बार सेक्शन 11 वापस से, सेक्शन 11 क्या बोल रहा है, 2 or more persons चाहिए लॉफुल बिजनेस के लिए जो अपना नाम सब्सक्राइब करेंगे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब फॉर्म में रहेगा, प्रिस्क्राइब फी के साथ रहेगा। क्या क्या रहेगा उसमें, तो बोले उसको मेड बाय इधर, इधर यानी कि क्या, चारों में से कोई एक, एडवोकेट CA CS CMA चारों में से कोई एक, और anyone who subscribe his name to the incorporation document, उनको यह बताना है कि जितनी भी रिक्वायरमेंट है हमने पूरी कर ली है, ठीक है सर समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, अब इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल प्रिस्क्राइब फॉर्म में रहेगा, एक तो हो गया। उसमें क्या रहेगा, LLP का नाम रहेगा, LLP क्या काम करने वाली, ऑब्जेक्ट क्लॉज जैसे कंपनी में रहता था तो पहले नेम क्लॉज था तो यहां पे भी नाम, नेम के बाद अपना क्या रहता था रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, तो यहां पे क्या आ गया प्रपोज बिजनेस, और देखो यहां पे आ गया रजिस्टर्ड ऑफिस, तो सेम चीज है। नेम एंड एड्रेस ऑफ ईच पार्टनर एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर, ठीक है सर ये अपन ने बता दिया। क्या क्या प्रिस्क्राइब फॉर्म में रहेगा, LLP का नाम क्या है, LLP का काम क्या है, LLP का रजिस्टर्ड ऑफिस किधर है, और LLP का पार्टनर कौन कौन है और डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन कौन है, ठीक है सर ये इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट समझ में आ गया। अब पर्सन मेकिंग स्टेटमेंट, अब जो भी बंदा ये स्टेटमेंट बना रहा है कौन कौन, वो एडवोकेट और ये जो सब्सक्राइबर, अगर इनको ऐसा लगता है कि भाई हम जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं, या उनको ऐसा लग रहा है कि ये ना इन्फॉर्मेशन झूठी है और इसके बाद भी कुछ बोल नहीं रहे, फिर उनको पनिशमेंट मिलेगी क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन देके आप LLP बना रहे हो, तो अप टू 2 years आपको जेल हो सकती है। बीच में लिखा है एंड, यानी कि जेल तो होगी, 2 साल तक की मैक्सिमम लिमिट दी है, मिनिमम 2 दिन की भी हो सकती है। एंड फाइन रहेगा कम से कम 10,000 रुपए का, जो कि 5 लाख रुपए तक जा सकता है, यानी कि दोनों की दोनों आपको जेल भी होगी और आपको फाइन भी लगेगा। जेल कितने साल की, मैक्सिमम 2 साल। फाइन कितना, कम से कम 10,000 तो लगेगा ही, ज्यादा से ज्यादा वो 50 लाख जा सकता है, ठीक है सर समझ में आ गया। सर 11 अपने को पूरा समझ में आ गया सर, 2 or more persons चाहिए सर, लॉफुल बिजनेस के लिए चाहिए सर, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में सब्सक्राइब करेंगे सर, और वो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब फॉर्म में रहेगा, प्रिस्क्राइब फी में रहेगा, उसमें CA CS CMA एडवोकेट और कोई एक सब्सक्राइबर एक डिक्लेरेशन देगा कि हमने पूरी कंप्लायंस कर लिया है, और उसमें सर LLP का नाम, LLP का काम, LLP के पार्टनर, LLP का रजिस्टर्ड ऑफिस, ये सारी बातें रहेगी, और अगर झूठी इन्फॉर्मेशन दोगे तो मिनिमम 10,000, मैक्सिमम 50 लाख, और मैक्सिमम 2 साल तक की जेल हो सकती है सर। हो गया सेक्शन 11 खत्म, सेक्शन 11 खत्म, ठीक है। उसके बाद इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन, अब इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन का मतलब अब यहां से समझना कि अब रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। आपने सेक्शन 11 की चीजें पूरी कर दी, आपने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट दे दिया, सबका नाम बता दिया, CA CS CMA ने डिक्लेरेशन दे दिया, अब क्या करेगा रजिस्ट्रार, वो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को रिटेन कर लेगा, ठीक है, और 14 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रार क्या दे देगा, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। तो दिखा एंशल विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज रजिस्टर कर लेगा आपके इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को और सर्टिफिकेट इन द नेम ऑफ LLP दे देगा, ठीक है सर। सेक्शन 12 में तो कुछ था ही नहीं, अब सेक्शन 12 में यही बोल रहा है कि जो रजिस्ट्रार ने आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया है ना, वो एक एविडेंस है, वो एक एविडेंस है कि भाई देखो रजिस्ट्रार ने हमको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्यों दिया, क्योंकि हमने एक्ट की पूरी चीजें कंप्लाई की, वो संतुष्ट हो या दे दिया। सर्टिफिकेट जो रहेगा उसमें ROC की सील लगी रहेगी और वो कंक्लूसिव एविडेंस रहेगा कि भाई अपनी LLP अब पिक्चर पे
आ चुकी है। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। 12 में भी कुछ नहीं था, 11 में भी कुछ नहीं था, 13 में आ जाते हैं। 13 क्या बोल रहा है? 13 ये बोल रहा है हर LLP का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। फालतू सेक्शन है ये, मतलब कोई बोलने वाली बात ही नहीं है। और जब जब वो चेंज करेगी तो उसको बताना पड़ेगा, नहीं बताएगी तो मिनिमम 2000 का फाइन और मैक्सिमम 25000 का फाइन है। ठीक है सर, 13 भी समझ में आ गया। 14 में आते हैं सर, रजिस्टर्ड हो गए उसके बाद क्या होगा? अब भैया LLP बन गई तो LLP अपने नाम से स्यू भी कर सकती है, कोई LLP को स्यू कर सकता है, तो स्यूइंग एंड बीइंग स्यूड। ठीक, एक्वायर ओन होल्ड एंड डेवलप और डिस्पोज प्रॉपर्टी, सेम कंपनी वाली चीज, और कॉमन सेल भी चाहे तो रख सकती है लेकिन ऑप्शनल है। ये भी नकली सेक्शन हो गया। यानी कि सर 13 और 14 तो कोई बात ही नहीं, मतलब ये रजिस्ट्रेशन के इफेक्ट तो अपने को मुंह पे याद है सर, कि सर वो स्यू कर सकती है, एक्वायर कर सकती है, होल्ड कर सकती है, डिस्पोज कर सकती है, कॉमन सेल हो तो कंपनी का तो अपने बुद्धि में बैठा हुआ है सर। ये भी हो गया सर। अब यहां पे आता है नेम वाली बात, बराबर है क्या? LLP सेक्शन नंबर 15 ही है, ठीक है। सेक्शन नंबर 15 अपने को क्या बोल रहा है, एक बार 11 12 13 अपन रिपीट कर लेते हैं। 11 में अपने को क्या बोला है, दो और मोर पर्सन चाहिए, लॉफुल बिजनेस चाहिए, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में अपना नाम सब्सक्राइब करेंगे, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब फॉर्म में रहेगा, एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा CA CS CMA एडवोकेट चारों में से कोई एक और किसी एक सब्सक्राइबर को, कि लॉ की जितनी भी कंप्लायंस अपन ने पूरी कर ली है। ये अपन दे देंगे किसको, ROC को, और उसमें क्या देंगे, LLP का नाम, LLP का काम, LLP का रजिस्टर्ड ऑफिस, हर पार्टनर्स का पर्टिकुलर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का पर्टिकुलर। ROC को ये सारी चीज दे दिए, सेक्शन 12 में आ जाते हैं। सेक्शन 12 में ROC सब चीज को रख लेगा और 14 दिन के अंदर इस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करके आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इस बात का सबूत रहेगा आपने सारे लॉ के कंप्लायंस कर ली है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन उसकी सील लगी रहेगी ROC की उसमें, और वो कंक्लूसिव एविडेंस रहेगा। ये था 12। 13 में बोला रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए और चेंज करोगे तो बताना है, नहीं बताओगे तो मिनिमम 2000 का फाइन, मैक्सिमम 25000 का फाइन। अब अपन आ गए हैं 14 में। 14 में बोला एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन होने के बाद वो स्यू भी कर सकती है, बीइंग स्यूड भी हो सकती है, एक्वायर होल्ड सेल डिस्पोज कर सकती है मूवेबल प्रॉपर्टी, और चाहे तो कॉमन सेल भी रख सकती है। ठीक है सर, 11 12 13 14 भी हो गया। 15 में आ जाते हैं। अब 15 क्या बोल रहा है समझिए, ठीक है। 15 ये बोल रहा है हर LLP के नाम में या तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप लिखा होना चाहिए या तो LLP लिखा होना चाहिए एक्रोनिम। अगर मैं बोल दूं अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल में LLP खोला हूं, तो अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल के नाम के पीछे या तो LLP लिखा रहे या तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप लिखा रहे, ये आपको करना पड़ेगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये लॉ बोल रहा है। अब क्यों बोल रहा है ये ऐसा? अरे भैया आपके नाम देख के पता चलना चाहिए ना आप कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो। अब कंपनी होगी तो प्राइवेट लिमिटेड या तो लिमिटेड लिखा होगा, सेक्शन 8 कंपनी होगी तो चैंबर ऑफ कॉमर्स क्लब ऐसा लिखा होगा, बराबर है क्या? पार्टनरशिप फर्म होगी तो अर्जुन छाबड़ा एंड एसोसिएट्स लिखा होगा। तो आपके नाम से पता तो लगना चाहिए कि कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए बस ये बात बोली गई है। ये हो गया सेक्शन 15 का 1। अब 15 का 2 क्या बोल रहा है ध्यान से समझ के लीजिएगा। LLP कैन नॉट बी रजिस्टर्ड विद द नेम जो कि अनडिजायरेबल है। अनडिजायरेबल यानी कि कोई नाम में कोई तुक नहीं है, आपके नाम में कोई काम नहीं दिख रहा है, बराबर है क्या? अब जैसे अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल है, बराबर है क्या? अब अनडिजायरेबल का मतलब क्या है, आप कुछ भी नाम नहीं रख सकते। इंस्टाग्राम में आपने देखा ना, कूल बॉय सनी, कूल डूड, ये डूड एंजल प्रिया, ये सब नाम, ये आप LLP का प्रोफेशनलिज्म आना चाहिए, बराबर है। ये एंजल प्रिया, लव दिव्या, स्वैगर बॉय, द किंग खान अर्जुन, ये सारी चीजें होने वाली नहीं है, बराबर है। LLP कैन नॉट बी रजिस्टर्ड विद द नेम जो अनडिजायरेबल है। तो सर अनडिजायरेबल नाम नहीं होना चाहिए, यानी कि एक LLP में आपका नाम दिखना चाहिए। जैसे कि कैसे नाम दिखेगा, फॉर सपोज मैं बताता हूं, जैसे अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल, तो नाम पे क्या दिख रहा है, ट्यूटोरियल, यानी कि ये कुछ सिखाते हैं, कुछ लेक्चरशिप यहां पे होती है, ये होता है। अब मैं सीधा अपना नाम डाल दूं अर्जुन छाबड़ा LLP। अब अर्जुन छाबड़ा LLP क्या कर रहा है अर्जुन छाबड़ा LLP? कुछ तो होना चाहिए जिसमें नाम पे आपका काम दिखे, बराबर है क्या? तो अनडिजायरेबल होना नहीं चाहिए। दूसरा, दो बात है, आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, टू नियरली रिजेंबल नहीं होना चाहिए। अब समझ के लेना मेरी बात, आइडेंटिकल और टू नियरली रिजेंबल का। अब मेरा मान लो कंपनी अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड, बराबर है क्या? अब आप अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड नहीं खोल सकते, क्योंकि ये आइडेंटिकल हो जाएगा। आइडेंटिकल का मतलब जस का तस, एकदम एग्जैक्ट। टू नियरली रिजेंबल का मतलब क्या हो जाएगा? अब मैंने पूरा लिखा है अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड, आप क्या कर रहे हो पता है क्या, ACT प्राइवेट लिमिटेड। अब भैया ये तो टू नियरली रिजेंबल हो गया ना, या आपने ऐसा लिखा AC ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड, ये तो टू नियरली रिजेंबल हो गया, बराबर। और बताता हूं, जैसे कि मान लो कोई कंपनी है JK
जेके सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड, बराबर है। आपने क्या खोल ली पता है क्या? जे एन के सीमेंट LLP। आपने कोई एग्जिस्टिंग कंपनी ऑलरेडी थी, वो बस जेके थी, आपने जे एंड के सीमेंट LLP। नहीं भैया, ये टू नियरली रिजेंबल है विद द नेम ऑफ अदर फर्म LLP और बॉडी कॉर्पोरेट और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, आप ऐसा कर नहीं सकते। ठीक है जी, चलिए आगे समझ के लेते हैं। उसके बाद तो सर 15 इतना ही था क्या? हाँ 15 इतना ही था कि हर LLP के नाम के पीछे या तो पूरा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होना चाहिए या तो LLP होना चाहिए, या तो LLP जो है वो रजिस्टर्ड होगी उस नाम से, रजिस्टर्ड नहीं होगी जो अनडिजायरेबल है, या तो जो आइडेंटिकल है एज इट इज और टू नियरली रिजेंबल है विद द नेम ऑफ अदर फर्म बॉडी कॉर्पोरेट LLP रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क कंपनी, यानी कि किसी भी दूसरे का नाम आप चुरा के अपनी LLP में रख नहीं सकते। ठीक है सर, समझ में आ गया सर। 15 में दो ही बात है, पहले नाम के पीछे ये होना चाहिए और दूसरा आपका नाम अनडिजायरेबल और आइडेंटिकल और टू नियरली रिजेंबल नहीं होना चाहिए। ओके सर, एकदम इजी सर, इसमें तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता भी नहीं है, इसलिए इसको ऐसे ही समझना पड़ेगा। अब आता है रिजर्वेशन ऑफ नेम। तो 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया। सर 11 में क्या था? वो 11 में आपको इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट की बात किया। 12 में क्या था? 12 में ROC रजिस्टर करके सर्टिफिकेट दे रहा था। 13 में क्या हो गया? रजिस्टर्ड ऑफिस की बात बताया। 14 में क्या हो गया कि बोले एक बार रजिस्टर्ड हो गया तो उसको क्या क्या इफेक्ट रहेंगे, एडवांटेज हो गया। 15 में क्या हो गया? 15 में आपको बोला आपके नाम के पीछे LLP होना चाहिए और अनडिजायरेबल टू नियरली आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। अब आ गया 16 में, खत्म, ऐसे ही मजाक मजाक में हो जाएगा। 16 हो, देखो क्या है रिजर्वेशन ऑफ नेम। तो बोले अ पर्सन में अप्लाई टू रजिस्ट्रार। अब सुनना, ये दो चीजों के लिए बोल रहा है, ठीक। अब मान लो अगर LLP ऑलरेडी बनी हुई है और उसको अपना नाम चेंज करना है, तो भी आप ROC को ही अप्लाई करोगे कि नाम चेंज करना है, और आप न्यू LLP बना रहे हो तो न्यू LLP के लिए तो यू भी ROC को अप्लाई करना है। तो जो पर्सन है ना, वो ROC को अप्लाई करता है दो कारण के लिए, पहले से LLP बनी नाम चेंज करना है तो भी, अभी न्यू LLP बना रहे हो तो भी। तो रजिस्ट्रार को फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम या तो चेंज ऑफ द नेम, इसका फॉर्म है E-Form 1, आगे आएगा भी, दोनों एक ही फॉर्म है दोनों पर्पस के लिए। पहले से LLP बने हो, E-Form 1 है चेंज करने के लिए, अभी न्यू LLP बना रहे हो, E-Form 1 है नया नाम रिजर्व करने के लिए। ठीक है सर, 16 का 1 अपने को क्या है? पर्सन ROC को अप्लाई करेगा नाम चेंज करने के लिए या तो नया नाम के लिए, रिजर्वेशन ऑफ द नेम ऑफ प्रपोज्ड LLP और चेंज ऑफ द नेम ऑफ द LLP। समझ में आ गया सर, दूसरे में आते हैं। अब यहां पर देखो क्या लिखा है, रजिस्ट्रार ऑन सेटिस्फेक्शन, सबसेक्शन 1 में आपने उसको अप्लाई कर दिया। अब सबसेक्शन 2 ये बोल रहा है कि हमने आपको 15 में बोला था ना, सेक्शन 15 में, कि आपका नाम आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, टू नियरली रिजेंबल नहीं होना चाहिए, अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। तो ROC अगर संतुष्ट हो गया कि सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 में जो अपने बात बोली इनने उनको कंप्लाई किया है, ROC आपका नाम रिजर्व कर लेगा 3 महीने के लिए। कहां से 3 महीने? ROC को आपने नाम दिया, ये वाला नाम चाहिए हमको, ROC ने चेक किया कि हाँ ये नाम अवेलेबल है, बाकी नाम से चेक कर लिया और आपको इंटीमेट कर दिया कि ये नाम अवेलेबल है। जब से आपको इंटीमेट किया है ना, वहां से 3 महीने के अंदर आपको LLP बना लेनी है। क्यों ना, अगर नहीं बनाए तो कोई और उस नाम को अगर ले लिया तो उसके नाम पे फिर वो नाम उसको चले जाएगा, 3 महीने के लिए बस नाम रिजर्व रहेगा, उससे ज्यादा का नाम रिजर्व नहीं रहेगा। ठीक है सर, समझ में आ गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया, 16 भी खत्म हो गया। 16 में क्या बोला है, आप ROC को अप्लाई करोगे या तो नेम चेंज के लिए या तो प्रपोज्ड LLP के लिए। ROC अगर संतुष्ट हो गया सेक्शन 15(2) का कि टू नियरली रिजेंबल नहीं, आइडेंटिकल नहीं, अनडिजायरेबल नहीं है, ROC आपको इंटीमेट कर देगा और वहां से 3 महीने के लिए अपना नाम, अरे खत्म भाई, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, चेंज ऑफ नेम ऑफ LLP सेक्शन नंबर 17। अब ये क्या बोल रहा है समझिएगा, ठीक है, ये क्या बोल रहा है समझिएगा। Not withstanding anything contained in section 15 और 16। 15 में क्या बात लिखी थी कि टू नियरली रिजेंबल नहीं होना चाहिए, आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए और अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। 16 में क्या बोला, ROC अगर संतुष्ट होगा तो तुम्हारा नाम रिजर्व कर देगा। बोले भाड़ में जाए कि आपने सेक्शन 15(2) कंप्लाई किया, अनडिजायरेबल नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है, अनडिजायरेबल नहीं है, सेक्शन 16 में ROC संतुष्ट हो गया, नाम रिजर्व कर दिया, वो भी भाड़ में जाए। अगर ROC के नाम देने के बाद भी, रिजर्व करने के बाद भी, तुम्हारे सेक्शन 15(2) कंप्लाई करने के बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगता है कि जो LLP जिस नाम से रजिस्टर्ड हुई है ना, वो सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 का नॉन कंप्लायंस की, सारा नाम अनडिजायरेबल है, एंजल प्रिया है, कूल बॉय सनी है,
या तो किसी दूसरे का ट्रेडमार्क चोरी करके रखा, ये रजिस्टर्ड होने के बाद, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है। सेक्शन 17 का खतरा एक बच्ची को याद भी है, सेक्शन 17 का खतरा। सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि आपने 15(2) का नॉन कंप्लायंस करके एलएलपी बनाई है, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगी एलएलपी को कि ए अपना नाम चेंज करो। और एलएलपी को नाम चेंज करना पड़ेगा कितने समय में? एलएलपी नाम चेंज करेगी विद इन 3 months आफ्टर द डायरेक्शन। या तो सेंट्रल गवर्नमेंट 3 महीने से ज्यादा समय दे दे तो उतने समय में आपको करना पड़ेगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। अगर मान लीजिए सर, एलएलपी नहीं करती है 3 महीने में नाम चेंज, या जितना समय सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया नहीं करती है नाम चेंज, उस सिचुएशन में 10,000 रुपए का मिनिमम फाइन है और मैक्सिमम 5,00,000 रुपए का फाइन है। बस सर 17 में इतना ही है? हाँ इतना ही है। 17 में 2 पॉइंट, 17 में बोला नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट, यानी कि भाड़ में जाए सेक्शन 15 में क्या लिखा है, और भाड़ में जाए तुम्हारे आरओसी जो 16 में तुमको नाम रिजर्व करके दे दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इस ओपिनियन की है कि ये कंपनी एलएलपी रजिस्टर्ड हुई है सेक्शन 15(2) का नॉन कंप्लायंस करके, अनडिजायरेबल नाम है और तुम्हारा टू नियरली रिजेंबल है या आइडेंटिकल है, आरओसी सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगी एलएलपी को नाम चेंज करो, एलएलपी विद इन 3 months ऑफ द डायरेक्शन नाम चेंज करेगी, नहीं किया मिनिमम 10,000 का फाइन, मैक्सिमम 5,00,000 रुपए का फाइन है। हो गया सर खत्म। अब यहाँ पे स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट है, एक बार मैं आपको पूरे सेक्शन रिपीट करवा देता हूँ। सेक्शन 11 क्या बोला? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। सेक्शन 12 क्या बोला? आरओसी सर्टिफिकेट दे देगा। सेक्शन 13 क्या बोला? रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए, चेंज होगा तो भी बताना है। सेक्शन 14 अपने को क्या बोला? 14 बोला इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 15 अपने को क्या बोला? 15 बोला वो एलएलपी लिखा होना चाहिए नाम के आगे पीछे और अनडिजायरेबल डिजायरेबल नहीं होना चाहिए। 16 में बोला आरओसी तुम्हारा नाम रिजर्व करके दे देगा। 17 में बोला भाड़ में जाए। 15 और 17 सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा डायरेक्शन देगी चेंज करना पड़ेगा। खत्म हो गया यार, कोई बात ही नहीं थी इसमें तो। ठीक है चलिए, अब ये इंपॉर्टेंट है, भयानक। ऊपर की जितनी भी चीजें ना 11 से लेके 17 तक, उसमें कुछ एफर्ट नहीं लगेगा आपको, वो समझने वाली बात है, एक बार पढ़ लिए तो दिमाग में आ जाएगी, हो सकता है उससे पूछ ले। अब तक उस पे एस सच कोई क्वेश्चन पूछा गया नहीं है, अब तक नहीं पूछा गया, अभी तक एक भी क्वेश्चन सेक्शन 11 से लेके 17 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है इस पे, अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं। समझ में आई क्या बात? ठीक है तो ध्यान देना, अब तक मैंने आपको जितनी भी चीजें पढ़ाई है 11 से लेके कहां तक 17 तक, अब तक कुछ भी क्वेश्चन उससे पूछा गया नहीं है। इवन ऊपर में कुछ भी क्वेश्चन अभी तक पूछा गया नहीं है, बराबर है क्या? लेकिन अब जो पढ़ा रहा हूं उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है या पूछ भी सकता है, समझना मेरी बात को। किधर गया ये? स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट एलएलपी। अभी मैंने आपको बताया था कि नाम रिजर्व करना या चेंज करना ई फॉर्म 1 लगेगा, तो स्टेप है पहला स्टेप क्या बोला? नेम रिजर्वेशन पहला स्टेप है। एप्लीकेंट यानी कि जो एलएलपी बना रहा है उसको अप्लाई करना पड़ेगा ई फॉर्म 1 में फॉर अवेलेबिलिटी एंड रिजर्वेशन ऑफ एलएलपी नेम, बराबर है क्या? पहले नेम अवेलेबल करेगा कि आरओसी भाई ये वाला नाम चाहिए, अवेलेबल है क्या? बोले हाँ, इसको रिजर्व कर दो, बराबर है क्या? तो ई फॉर्म 1 नेम अवेलेबिलिटी और रिजर्वेशन के लिए। दूसरा स्टेप इनकॉर्पोरेट करना एलएलपी को, सेकेंड स्टेप है। अब इसमें क्या है? एप्लीकेंट को फाइल करना है ई फॉर्म 2 फॉर इनकॉर्पोरेटिंग न्यू एलएलपी। अब इसमें क्या जाएगा? जो आपने स्टेटमेंट पढ़ा था ना, एलएलपी का नाम क्या है, काम क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस किधर है, डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन है, बाकी के पार्टनर कौन है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस किधर है, ये जाएगा सेकेंड स्टेप में। तो ई फॉर्म 2 में आप एलएलपी इनकॉर्पोरेट करने के लिए करोगे तो उसके कंटेंट वही है जो अपन ने ऊपर में पढ़ा, ये दे दोगे आप ई फॉर्म 2 में। ठीक है, लास्ट आता है अपना ई फॉर्म 3 एलएलपी एग्रीमेंट। वहां पे आप पार्टनरशिप डीड देते थे पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर ऑफ पार्टनरशिप को, यहां पे आप आरओसी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास ही जाता है एलएलपी का, यहां पे आप एलएलपी एग्रीमेंट दोगे ई फॉर्म 3 में। कितने दिन में देना है? रजिस्ट्रार को देना है विद इन 30 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी कि ऊपर के ई फॉर्म 1 और ई फॉर्म 2 से आपकी एलएलपी बन जाएगी, आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा, वहां से 30 दिन के अंदर आपको आरओसी के पास एलएलपी एग्रीमेंट सबमिट करना ई फॉर्म 3 में। ठीक है सर, समझ में आ गया? कोई पता ही नहीं है। अब भाई ये फ्रैक्चर्स पूछ सकते हैं क्या? फ्रैक्चर्स पूछ सकते हैं क्या? पहले बात तो ये फ्रैक्चर्स वाला है कौन? कल भी फ्रैक्चर्स ही कर रहा था। ये फीचर्स होते हैं। अभी तक बोला हूं कि ऊपर की चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछ लिया तो पता नहीं इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है चलिए, अब पार्टनर्स एंड देयर
पार्टनर्स एंड देयर रिलेशन। अब ये अब रीडेबल पॉइंट है, इसमें से कुछ पूछने वाला भी नहीं है, आप इसको खुद से ही पढ़ लेना, ये फालतू चीजें यहां से। अब ये कुछ ऐसा है कि इसको पूछ सकता है, सुनिएगा मेरी बात, ठीक है। हाँ मैं समझ गया हूं, फीचर्स ही बोल रहा है जो भी है वो, ठीक है, सुनना मेरी बात। अब ये बोल रहा है सेसेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट, अब इसमें बोल क्या रहा है ये समझ के लेना। सेक्शन 24 आपको कुछ नहीं बता रहा है, सिर्फ ये बता रहा है ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन है जहां पे एक पार्टनर का एलएलपी से रिश्ता नाता टूट जाएगा, उसी को बस लॉ की लैंग्वेज में फ्रेम करके बोला है। मेरी बातों को गंभीरता से समझने की कोशिश करिए, सुनिएगा मेरी बात, ठीक है। सेसेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट, सेसेशन का मतलब क्या होता है कि भाई आपका जो स्वार्थ जुड़ा हुआ है ना पार्टनरशिप, आप एलएलपी में एज अ पार्टनर हो, आपका इंटरेस्ट है उस एलएलपी में, क्या इंटरेस्ट है आप वहां पे क्या हो, पार्टनर हो, तो ये सीज हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो सेक्शन नंबर 24 ऐसी परिस्थितियां बता रहा है जब आपका एलएलपी के साथ कोई रिश्ता नाता नहीं रहने वाला है। तो परिस्थिति कौन कौन सी सिचुएशन और कौन कौन सा तरीका जब आप एलएलपी से अपना रिश्ता नाता तोड़ लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले बोला जैसे पार्टनरशिप में होता था ना, एग्रीमेंट कर लो, जैसे एग्रीमेंट करके पार्टनरशिप डीड बनाई थी, पार्टनर बने थे, वैसे एग्रीमेंट करके पार्टनरशिप को खत्म कर दो, डिसॉल्व कर दो। यहां पे उसी को डिसॉल्व को क्या लिखा हुआ है, सीज। वहां पे डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़े थे ना, दो चीज थी, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। यहां पे उसी डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को सेसेशन ऑफ पार्टनरशिप बोला जा रहा है, ठीक है। हाँ सर गलती से हो जाता है, ए तुम लोग हंसी मजाक मत करो, गलती से हो जाता है, मैं आके दूंगा सबको बता रहा हूँ, कुछ नहीं बेटा पूजा, डर टेंशन लेने का बात नहीं बेटा, ये मजाक मस्ती चलते रहता है, दिल छोटा नहीं करने का, भाई है साथ में, टेंशन नहीं, सुनो मेरी बात। तो पहला क्या बोला, इन अकॉर्डेंस विद, सब सॉरी बोलो पूजा को, सब सॉरी बोलो, नहीं ठीक नहीं होगा, सॉरी बोलो। इन अकॉर्डेंस विद एग्रीमेंट विद अदर पार्टनर, अदर पार्टनर के साथ आपने एलएलपी एग्रीमेंट किया था, आप क्या करो वापस से एग्रीमेंट करके, आप अपना एग्रीमेंट करके आप सीज हो जाओ कि अब मैं पार्टनर नहीं। एक तो ये तरीका है, ये पहला तरीका है, ठीक है। देखो शाबाश, ठीक है, देखो अब वो आई फीचर्स में, ठीक सुनना। तो ये हो गया इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट विद अदर पार्टनर। दूसरा, अगर मान लो एग्रीमेंट नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट नहीं है, अगर आपको याद होगा पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड टर्म होता था पार्टनरशिप में कि भाई ये एग्रीमेंट है इतने समय के लिए हम पार्टनर रहेंगे बाकी खत्म हो जाएंगे। अब मान लो एग्रीमेंट नहीं है, तो बोले एग्रीमेंट नहीं है ना, तो आप नोटिस दे दो राइटिंग में ऑफ नॉट लेस देन 30 डेज, यानी कि जब से आपको छोड़ना है ना एलएलपी को, छोड़ने वाले दिन से कम 30 दिन पहले आप राइटिंग में नोटिस दे दो, आपका इंटेंशन बता दो, भैया मैं रिजाइन करना चाहता हूं एज अ पार्टनर, हो गया। तो दो तरीके सर, या तो आप पार्टनर आपका एलएलपी एग्रीमेंट में लिखा है, एलएलपी एग्रीमेंट में नहीं लिखा है तो कम से कम 30 दिन का नोटिस दे दो जब से आप छोड़ना चाहते हो, ठीक है सर। सेक्शन 24 का सर पहला वाला पॉइंट समझ में आ गया सर, ठीक है, ओके। दूसरा, अब उसकी डेथ हो गई, तो डेथ हो गई तो भगवान ने उसको उसकी पार्टनरशिप से हटा दिया, या तो वो अनसाउंड माइंड का हो गया कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा, तो वो इनकैपेसिएट हो गया। तीसरा, उसने अप्लाई कर दिया कि मेरे को इंसॉल्वेंट कर दो, अप्लाई टू बी एडजुडिकेटेड, एडजुडिकेटेड यानी कि इंसॉल्वेंट करार कर दो, घोषित कर दो, ठीक है, एज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। तो यहां पे ये तीन सिचुएशन है, सेकंड वाले में डेथ हो गई, अनसाउंड माइंड का हो गया, और अप्लाई किया कि मेरे को इंसॉल्वेंट करार कर दो, तो तू खुद ही बोल रहा है कि तू इंसॉल्वेंट मेरे को बोल दो, तो तू निकल जा, बराबर है क्या। ये तीन सिचुएशन है, समझ में आ रही है सबको बातें, ठीक है सर समझ में आ गई। तीसरी बात, अब ध्यान से सुनना, फॉर्मर पार्टनर सीज्ड पार्टनर स्टिल बी रिगार्डेड एज अ पार्टनर। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है सुनना ध्यान से, फॉर्मर पार्टनर यानी कि कौन सा पार्टनर, आपने राइटिंग में नोटिस दे दिया किसको, एलएलपी को, कि भैया मैं रिजाइन करना चाहता हूं, बराबर है क्या। अब आपने किसको नोटिस दिया, एलएलपी को दे दिया। अब भैया बाहर वाले जो लोग है, जो थर्ड पार्टी है, पार्टनरशिप में भी ये पॉइंट था, बाहर वाले लोगों को सपना आएगा कि अब ये पार्टनर नहीं है, तो एलएलपी जब तक बाहर के लोगों को और आरओसी को ये नोटिस नहीं दे देती कि ये जो फलाना पार्टनर था ना अब ये पार्टनर नहीं है, तब तक वो फलाना पार्टनर आरओसी के लिए और बाहर वालों के लिए पार्टनर माना जाएगा, समझ में आ गया होगा एक बार में। तो देखो फॉर्मर पार्टनर सीज्ड पार्टनर स्टिल बी रिगार्डेड एज पार्टनर ऑफ एलएलपी, अभी भी उसको एलएलपी माना जाएगा इवन दो वो सीज हो गया, छोड़ दिया है, अंटिल नोटिस इज गिवन। अभी नोटिस किसको देना है, पब्लिक को, पेपर में देते हैं ना पब्लिक नोटिस, और एक नोटिस अपने को देना रजिस्ट्रार को। तो ये दो नोटिस जब तक नहीं जाता, तो भले आपने नोटिस देके अपनी पार्टनरशिप छुड़वा ली है, आप अभी भी पार्टनर माने जाओगे, ठीक है सर समझ में आ गया, ठीक है सर।
चलिए उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, पास्ट ऑब्लिगेशन विल नॉट बी अफेक्टेड बाय सेसेशन ऑफ पार्टनर। अब आप छोड़ दिया, आप पिछले जो कर्म कांड करके रखे हो एलएलपी में वो तो तुमको भुगतान करना पड़ेगा, हाँ आज छोड़े हो, इसके बाद से जो भी कर्म कांड करोगे उसके लिए बाकी के पार्टनर लायबल है, आप नहीं, लेकिन पहले वाले तो आप लायबल रहोगे। ठीक है सर, समझ में आ गया। पांचवा वाला, अब पांचवा वाला अपने को क्या बोल रहा है, ध्यान से समझ के लेना इसको, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। ये वहां पर भी था आपका पार्टनरशिप के अंदर भी ये पॉइंट था, समझना ध्यान से। मान लो भाई पार्टनर की डेथ हो गई, अब डेथ हो गई तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, तो अगर याद करो पार्टनरशिप में भी ऐसा था कि मान लो पार्टनरशिप की डेथ हो गई और वो चले गया और अभी तक आपने अकाउंट सेटलमेंट नहीं किया है, तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो उसके हिस्से की जितनी प्रॉपर्टी, उससे जितनी इनकम आ रही है वो प्रॉफिट लेगी बराबर, और अल्टरनेटिवली 6% का इंटरेस्ट था अगर आपको याद होगा। सिमिलर वे पे यहां पे है, अगर डेथ हो जाती है या तो इनसॉल्वेंट हो जाता है, अब डेथ होगी तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंटाइटल होगा, और अगर इनसॉल्वेंट होगा तो जो उसका ऑफिशियल लिक्विडेटर होगा वो पूरी इसकी प्रॉपर्टी लेगा। तो जो फॉर्मर पार्टनर है ना और एनी अदर पर्सन, अब ये फॉर्मर पार्टनर क्यों बोला है, मान लो डेथ नहीं हुई, उसने खुद से ही अपना राइटिंग में दे दिया कि भाई मैं अपनी पार्टनरशिप छोड़ना चाहता हूं, तो छोड़ना चाहता है तो ये फॉर्मर पार्टनर खुद लेगा हिस्सा क्योंकि वो जिंदा है, या मर गया तो उसका जो पर्सन इंटाइटल्ड है वो लेगा, क्या लेगा, अमाउंट इक्वल टू द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉर्मर पार्टनर एक्चुअली मेड, जितना उसने कॉन्ट्रीब्यूशन किया था वो वापस लेगा, जितना कैपिटल लगाया था वापस लेगा, अपना हिस्सा वापस लेगा, और जो भी उसका शेयर है प्रॉफिट में, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में जो भी उसका हिस्सा है लॉस माइनस करके उसका प्रॉफिट ले लेंगे, एकदम नॉर्मल बात है। ठीक है सर, समझ में आ गया। ठीक है चलिए, पांच पॉइंट था, पांचों पॉइंट एक बार रिपीट कर लेते हैं सर। सेक्शन 24 में टोटल पांच पॉइंट अपने पढ़ाए हैं। सेक्शन 24 अपने को बताता है सेसेशन ऑफ पार्टनरशिप, कि कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां पे पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी उस पार्टनर की एलएलपी से। पहला वाला पॉइंट क्या है सर, पहला बोल रहा है या तो इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट कर लो, एग्रीमेंट नहीं है तो आपको जब से छोड़ना एटलीस्ट 30 डेज नोटिस इन राइटिंग दे दो ऑफ योर इंटेंशन दैट यू वांट टू लीव द पार्टनरशिप। ठीक है सर, ये पहला वाला बात हो गया। दूसरा क्या बोला सर, उसकी डेथ हो जाती है, वो अनसाउंड माइंड का हो जाता है, या उसने अप्लाई किया टू बी एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट बराबर है, ये दूसरे वाले में तीन सिचुएशन दे दिए, चले जाएगा। फिर बोल रहा जो फॉर्मर पार्टनर है जो छोड़ चुका है उसको अभी भी रिगार्ड करेंगे एज अ पार्टनर जब तक नोटिस पब्लिक को नहीं जाता और जब तक नोटिस रजिस्ट्रार को नहीं जाता। ठीक है सर, समझ में आ गया सर। पास्ट ऑब्लिगेशन जो है विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द सेसेशन ऑफ पार्टनरशिप इन केस ऑफ डेथ और इनसॉल्वेंसी ऑफ फॉर्मर पार्टनर। अगर डेथ हो जाती है, इनसॉल्वेंसी हो जाता है या वो छोड़ देता है, तो अब देखो अगर खुद से छोड़ा है तो वो खुद लेगा अपना हिस्सा, डेथ हो गई थी लीगल रिप्रेजेंटेटिव लेगा, इनसॉल्वेंट हो गया था तो ऑफिशियल लिक्विडेटर लेगा, ये लोग उसका हिस्सा जो भी है लेंगे, प्रॉफिट में से भी लेंगे एक्यूमुलेटेड लॉस को खत्म करके। दिव्या बेटा मैंने ऑलरेडी बोल रखा है कि इसको पूछ सकता है, आज तक पूछा नहीं है, और मैं आपको बता दूं नवंबर 19 में ये टॉपिक नहीं था, ये मई से इसको ऐड किया गया है। मई 19 में टॉपिक्स नहीं थे, नवंबर 19 से इनको ऐड किया गया है और नवंबर 19 से ही हम इसको पढ़ रहे हैं, तो ये नया टॉपिक है, चाहे तो पूछ सकता है, अब तक पूछा नहीं है। रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस इन पार्टनर सेक्शन नंबर 25 ध्यान से समझ के लीजिएगा। सेक्शन नंबर 25 अपने को क्या बोल रहा है, एवरी पार्टनर इन्फॉर्म करेगा किसको, एलएलपी को, ध्यान से सुन के लेना। रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस इन पार्टनर सेक्शन नंबर 25 अपन पढ़ रहे हैं, हर पार्टनर इन्फॉर्म करेगा एलएलपी को दो चीज, अगर उसके नाम पे या उसके एड्रेस पे कोई चेंज होता है ना, जहां से नाम और जहां से एड्रेस चेंज हो रहा है वहां से 15 दिन के अंदर पार्टनर को एलएलपी को बताना है कि ना ये मेरा नाम था चेंज हो गया, ये मेरा एड्रेस था ये चेंज हो गया। ये पार्टनर की ड्यूटी है कि नाम और एड्रेस जब से चेंज हुआ 15 दिन के अंदर आपको बताना है। ठीक है सर, बता दिए। अब एलएलपी की क्या ड्यूटी रहेगी, सेकंड पॉइंट में एलएलपी की ड्यूटी क्या है? बोले मान लो अगर कोई पर्सन पार्टनर बनता है और मान लो अगर कोई पर्सन पार्टनरशिप छोड़ता है, बिकम पार्टनर और सीजेस टू बी अ पार्टनर, एलएलपी को नोटिस फाइल करना है आरओसी के साथ विद इन 30 डेज ऑफ सच इवेंट। ठीक है, तो सर पार्टनर की एक ड्यूटी की नाम एड्रेस चेंज हुआ तो 15 दिन में बताए, एलएलपी की ड्यूटी है कोई पार्टनर आया कोई पार्टनर गया तो आने से और जाने से, जब से आया वहां से 30 दिन, जाने से 30 दिन के अंदर आरओसी के पास नोटिस फाइल करना है।
और सर वो जो पार्टनर ने अपना नाम एड्रेस चेंज करके आरओसी को बताया, तो क्या एलएलपी पहले वाले पॉइंट में ना कि नाम और एड्रेस चेंज हुआ पार्टनर का, तो वो किसको बता रहा है? एलएलपी को। एलएलपी को वो भी तो आरओसी को बताना है ना, तो वो आ रहा है बी वाले पॉइंट में। बोले व्हेन चेंज इन एड्रेस ऑफ पार्टनर, पार्टनर का अगर एड्रेस चेंज हो रहा है तो सेम, ये भी 30 दिन में बताना है। यानी कि सर पार्टनर 15 दिन के अंदर बताएगा एलएलपी को, और एलएलपी को जब से पता चला वहां से 30 दिन के अंदर एलएलपी बताएगी आरओसी को। समझ में आ गया सर? पहले वाला पार्टनर की ड्यूटी है नाम एड्रेस में 15 दिन, दूसरे वाले में सर एलएलपी की ड्यूटी है, पार्टनर बना या पार्टनर सीज हुआ वहां से 30 दिन, और जब से एलएलपी को उसका नाम एड्रेस का चेंज का पता चला वहां से 30 दिन। समझ में आ गया सर? एक नंबर एकदम ठीक है। थर्ड वाला, ये जो भी आप आरओसी को फॉर्म दोगे ना वो प्रिस्क्राइब फॉर्म में होगा, प्रिस्क्राइब फी में होगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर उसको साइन करेगा, ऑथेंटिकेट करेगा। और अगर नोटिस आप इस बात का दे रहे हो आरओसी को कि ये नोटिस दे रहे हो कि आरओसी आरओसी ये देखो ये नया पार्टनर आया है, तो जो नया पार्टनर आ रहा है ना, देखो सीज हो रहा है तब की बात नहीं है, जो नया पार्टनर आ रहा है ना उस सिचुएशन में नए पार्टनर की कंसेंट कि हाँ मैं पार्टनर बनना चाहता हूं, तो नोटिस जाएगा कि दिस इज द न्यू पार्टनर अलॉन्ग विथ हिज रिटन कंसेंट कि वो पार्टनर बनना चाहता है, वो भी साइंड होगा, वो भी ऑथेंटिकेटेड होगा। सर तीसरा वाला पॉइंट एक बार रिपीट कर देते हैं। जी सर रिपीट करते हैं। फॉर्म जो आरओसी को जाएगा ना चेंज वेंज वाला, नया पार्टनर आया पुराना गया, तो वो प्रिस्क्राइब फॉर्म में होगा, प्रिस्क्राइब फी में होगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर उसको साइन करेगा, ऑथेंटिकेट करेगा। और बोले अगर आप नोटिस दे रहे हो इनकमिंग पार्टनर की कि भाई आरओसी देखो ये नया पार्टनर आया है, तो नया पार्टनर का नोटिस तो जाएगा, साथ में नए पार्टनर की रिटर्न कंसेंट जाएगी कि हां मैं पार्टनर बनना चाहता हूं। समझ में आ गया सर? एकदम समझ में आ गया। अब अगर एलएलपी कॉन्ट्रावेंट करती है सबसेक्शन 2 का, सबसेक्शन 2 में उसको क्या बताना था? वही 30 दिन के अंदर सारी बातें। तो एलएलपी और एलएलपी के जितने भी डेजिग्नेटेड पार्टनर है कम से कम 2000 का फाइन, मैक्सिमम 25000 का। और अगर पार्टनर जो जिसको 15 दिन में सबसेक्शन 1 में बताना था अगर वो करता है तो उसको भी कम से कम 2000 का फाइन, मैक्सिमम 25000 का फाइन। ठीक है सर, समझ में आ गया सर? सिक्स वाला पॉइंट अपने को क्या बोल रहा है ध्यान से समझना। सिक्स वाला पॉइंट अपने को ये बोल रहा है पार्टनर, अब जैसे बोला ना इनकमिंग पार्टनर है, सॉरी इनकमिंग पार्टनर के लिए नहीं है, ये किसके लिए है? जस्ट अ मोमेंट, इसका मैं ना बेयर एक्ट ही निकालता हूँ, थोड़ा सा इसका चेक करना है मेरे को, सेक्शन 25 का सबसेक्शन 6, जस्ट अ मोमेंट, सेक्शन 25 ऑफ एलएलपी एक्ट। ठीक है, हाँ अब इसमें क्या बोल रहा है ध्यान से सुनना। सिक्स वाला पॉइंट ये बोल रहा है, याद करो सबसेक्शन 3 में एलएलपी को क्या बोला कि अगर कोई नया पार्टनर आएगा तो आपको क्या करना है, नोटिस देना है आरओसी को, और अगर कोई जाएगा तो भी आपको आरओसी को नोटिस देना है। ठीक है, तो अगर 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 मान लो इसको ऐसा लगता है किसको, पार्टनर को जो जा रहा है और जो आ रहा है दोनों में से, क्योंकि जाएगा तो भी बताना है, आएगा तो भी बताना है, तो अगर पार्टनर को लगता है कि भाई एलएलपी मक्कार है, एलएलपी का जो सीएस है वो मक्कार है, वो खुद से फॉर्म भरने वाला नहीं है, पार्टनर में हिमसेल्फ फाइल नोटिस इफ ही हैड रीजनेबल कॉज टू बिलीव दैट एलएलपी मे नॉट फाइल द नोटिस। अब उस सिचुएशन में होगा क्या, क्योंकि नोटिस एलएलपी ने नहीं दिए, नोटिस पार्टनर ने दिए, बराबर है क्या? उस सिचुएशन में आरओसी शैल टेक कॉन्फर्मेशन किससे, एलएलपी से, कि बोले ओ एलएलपी नया पार्टनर आया, तुम बताए नहीं, खुद ही बता रहे हम आए हैं। बोले ओ एलएलपी एक पार्टनर जा रहा हूं बोला है, तुमने नोटिस नहीं दिया, खुद बता रहे, कंफर्म कर दूं क्या? ऐसे करके एलएलपी को 15 दिन का टाइम दिया जाएगा आरओसी के द्वारा। अगर कोई भी कंफर्मेशन नहीं आती है 15 दिन के अंदर, रजिस्ट्रार रजिस्टर कर लेगा हाँ नया पार्टनर आया, पुराना पार्टनर चले गया। एक नंबर सर, पूरा समझ में आ गया, सेक्शन नंबर 25 खून में उतर गया सर पूरा। एक बार रिपीट कर देते हैं, सबसेक्शन 1 में पार्टनर की ड्यूटी है नाम और एड्रेस जहां से चेंज हुआ 15 दिन के अंदर एलएलपी को बताना है। एलएलपी की क्या ड्यूटी है? एलएलपी को यह बताना नया पार्टनर आया, पुराना पार्टनर गया, क्या पर्सन बिकम पार्टनर और सीजेस टू बी अ पार्टनर, 30 डेज के अंदर किसको बताना है? आरओसी को। और क्या बताना है? पार्टनर ने एलएलपी को बताया कि मेरा नाम एड्रेस चेंज हुआ, वो भी 30 डेज में बताना है। ठीक, जो आप बताओगे प्रिस्क्राइब फॉर्म में रहेगा, प्रिस्क्राइब फी में रहेगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर साइन करेगा, उसको ऑथेंटिकेट किया जाएगा। और अगर आप नोटिस इस बात का दे रहे हो कि भैया इनकमिंग पार्टनर आ रहा है
तो इनकमिंग पार्टनर का जो आप नोटिस दोगे उसके साथ इनकमिंग पार्टनर का कंसेंट भी दोगे, वो भी साइंड होगा, वो भी ऑथेंटिकेट होगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। एलएलपी अगर कॉन्ट्रावेन करती है सबसेक्शन 2 का, बराबर है, सॉरी सबसेक्शन, हाँ सबसेक्शन 2 का, या पार्टनर नॉन कंप्लायंस करता है सबसेक्शन 1 का, दोनों को सेम फाइन है, मिनिमम 2000 मैक्सिमम 25000। और यहां पे बोला है पार्टनर खुद से नोटिस दे सकता है अगर उसको रीजनेबल कॉज है कि एलएलपी खुद से नोटिस नहीं देगी। उस सिचुएशन में आरओसी एलएलपी से कंफर्म करेगा, 15 दिन का टाइम लेगा, और अगर 15 दिन में कोई रिप्लाई नहीं आया तो खामोशी का मतलब हां समझा जाएगा और वो रजिस्टर कर देगा। ठीक है सर, 25 भी हो गया सर। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ एलएलपी, ये इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना ध्यान से, क्वेश्चन आ सकता है। और ये तो खत्म ही होने वाला है भाई, बस खत्म होने वाला है, बस खत्म। ये देखो चार पेज बताया है, खत्म हो जाएगा, एक घंटा हुआ है अभी अपने को, सुनना मेरी बात। किधर गया ये? हाँ जी, एक्सटेंट एंड लिमिटेशन ऑफ लिमिट लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी एंड पार्टनर्स। क्या एक्सटेंट, किस हद तक वो लायबल रहेंगे एलएलपी और उसके पार्टनर। तो देखो सबसे पहला क्या बोला है ऊपर, देखो पार्टनर एज अ एजेंट, पार्टनर जो होगा वो एज अ एजेंट लायबल होगा, तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नीचे वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ एलएलपी, किस हद तक एलएलपी लायबल रहेगी। तो बोले पहली बात तो एलएलपी लायबल रहेगी नहीं अगर कोई पार्टनर कुछ हरकत करता है तो। कब? अगर पार्टनर के पास अथॉरिटीज नहीं थी काम करने की। दूसरा, थर्ड पर्सन नोज दैट पार्टनर हैज नो अथॉरिटी और डज नॉट नो वेदर ही इज डीलिंग विद द पार्टनर। अभी ध्यान से समझना, एक पार्टनर है एलएलपी में, नॉर्मल पार्टनर है, ऐसे मैनेजमेंट संभालता रहता है बस, ठीक है। वो एलएलपी के नाम से अगर 50 लाख रुपए का लोन ले आता है जबकि लोन लेने का उसके पास अथॉरिटीज नहीं है, तो एलएलपी उस 50 लाख के लिए बिल्कुल भी लायबल नहीं रहेगी। जो क्रेडिटर रहेगा वो पार्टनर से निपटेगा, क्यों? क्योंकि पार्टनर के पास कोई अथॉरिटी ही नहीं थी एक्ट करने की। दूसरा, थर्ड पर्सन को ये पता है इसके पास अथॉरिटी नहीं है, उसको क्या बोल, मेरे बाप का क्या जा रहा है, मैं पैसे दे देता हूं मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा। इस सिचुएशन में भी एलएलपी लायबल नहीं रहेगी क्योंकि थर्ड पर्सन को पता था इसके पास अथॉरिटी नहीं है, तो पार्टनर के पास अथॉरिटी थी ही नहीं। ठीक है सर, समझ में आ गया, एलएलपी लायबल नहीं होने वाली पार्टनर के एक्ट की वजह से अगर पार्टनर के पास अथॉरिटीज नहीं थी, और दूसरा थर्ड पर्सन को ये पता था कि पार्टनर के पास अथॉरिटी नहीं है और डज नॉट नो वेदर ही इज डीलिंग विद द, थर्ड पर्सन को यही नहीं पता कि वो डील कर रहा है कि वो पार्टनर है कि नहीं है सामने वाला। ठीक है सर, समझ में आ गया सर पहला वाला। दूसरा, एलएलपी इज लायबल फॉर एक्ट ऑफ पार्टनर। पहले बोला एलएलपी लायबल नहीं है, दो सिचुएशन बताया, अब बताया एलएलपी लायबल है कब, अगर पार्टनर एक्ट कर रहा है विद इन द अथॉरिटी, और दूसरा बोल रहा है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो सिंपल वाली बात है पार्टनरशिप वाली, एकदम समझ में आ गया। अच्छा, ऑब्लिगेशन जो रहेगा एलएलपी का वो ऑब्लिगेशन एलएलपी का ही रहेगा, मतलब एलएलपी का ऑब्लिगेशन क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है ना, तो एलएलपी का ऑब्लिगेशन एलएलपी का, पार्टनर का ऑब्लिगेशन पार्टनर का। लायबिलिटीज ऑफ एलएलपी शैल बी मेट आउट आउट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एलएलपी, एलएलपी की प्रॉपर्टी बेची जाएगी और लायबिलिटी पे की जाएगी। ठीक है सर, समझ में आ गया सर, चार पॉइंट है, एकदम ईजी है। सेक्शन नंबर 28, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ पार्टनर। ऊपर तो एलएलपी की एक्सटेंट बताया कि एलएलपी की हद तक लायबल है, अब पार्टनर की हद तक लायबल है ये इसमें बताया, अब पार्टनर की हद तक लायबल है समझना। बोले पहली बात तो पार्टनर पर्सनली लायबल नहीं है फॉर ऑब्लिगेशन ऑफ एलएलपी, क्यों? क्योंकि एलएलपी की लायबिलिटी एलएलपी की है, सेपरेट है, पार्टनर की लायबिलिटी पार्टनर की। तो बोले पहली बात तो पर्सनली लायबल नहीं है फॉर ऑब्लिगेशन ऑफ एलएलपी, ठीक है, लेकिन पार्टनर पर्सनली लायबल हो जाएगा अगर वो कोई ऐसा रॉन्गफुल एक्ट करता और ओमिशन करता है जो उसकी अथॉरिटी के बाहर है। समझ में क्या बात, ऊपर याद करो बोला था ना, अगर आउटसाइड द अथॉरिटी जाके काम करता है तो एलएलपी लायबल नहीं है, पार्टनर लायबल है। तो वही पॉइंट यहां पे बोला है, पहले बोला वो एलएलपी की लायबिलिटी एलएलपी की इच्छा है, पार्टनर का कोई लेन देन नहीं, लेकिन पार्टनर अपनी औकात अगर क्रॉस करता है आउटसाइड द अथॉरिटी जाके काम करता है तब वो लायबल रहेगा। ठीक है सर, समझ में आ गया, पार्टनर लायबल नहीं रहेगा फॉर एक्ट ऑफ एनी अदर पार्टनर, ये तो अपने को पता ही है, म्यूचुअल एजेंसी है नहीं हो तो एजेंट सिर्फ एलएलपी का, तो अदर पार्टनर की लायबिलिटी के लिए लायबल नहीं है। अब देखो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट अपने को पता ही है, एक्चुअल में पार्टनर नहीं है लेकिन अपने आपको परमिट कर रहा है हाँ भाई मैं पार्टनर हूं, तो उस सिचुएशन में कोई भी क्रेडिट अगर रिसीव होता है बाय एलएलपी, तो यहां पर देखो एक फर्क है, पार्टनर ने अपने आप को पार्टनर बताया, ठीक है, और पार्टनर बता के एलएलपी के नाम से कुछ क्रेडिट लेके आया,
लेकिन वो क्रेडिट किसने रिसीव किया, एक्चुअल में एलएलपी ने ही रिसीव किया, तो बोले इस सिचुएशन में पार्टनर भी लायबल रहेगा और एज वेल एज एलएलपी भी लायबल रहेगी फॉर द बेनिफिट। और अगर मान लो सर एलएलपी को लाके वो क्रेडिट नहीं दिया, खुद खा लिया, तो वो खुद ही लायबल है, तो वो खुद ही लायबल है। लेकिन अगर एलएलपी को लाके देता है तो एलएलपी भी लायबल है और वो पार्टनर भी लायबल है। ये यहां पे अपने को समझ में आ गया। और सर अगर मान लो पार्टनर की डेथ हो जाती है और पार्टनर की डेथ होने के नाम से, जैसे मैं बोलता हूं राहुल उमेश एंड ज्ञानचंद एलएलपी करके इनने खोला। अब ज्ञानचंद चले गया, लेकिन आज भी एलएलपी का नाम राहुल उमेश और ज्ञानचंद एलएलपी के नाम से चल रहा है, जस्ट बिकॉज एक पार्टनर की डेथ हो गई और आज भी उसका नाम एलएलपी में कंटिन्यू हो रहा है, वही पुराने नाम से आप एलएलपी का बिजनेस चला रहे हो, उसका मतलब ये नहीं कि आज भी वो पार्टनर या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल रहेंगे, ऐसा नहीं है, वही बोल रहा है। वेयर आफ्टर पार्टनर्स डेथ बिजनेस इज कंटिन्यूड इन द सेम एलएलपी इन द नेम ऑफ सेम एलएलपी कंटिन्यूड यूज ऑफ फर्म्स नेम और नेम ऑफ डिसीज पार्टनर विल नॉट मेक हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल। ठीक है सर, समझ में आ गया, ये भी ये इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर 30 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। ठीक है, अनलिमिटेड लायबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड, अगर आप फ्रॉड करते हो, सेक्शन नंबर 30 की बात कर रहा हूं मैं, अगर आप फ्रॉड करते हो, फ्रॉड करते हो, एलएलपी करती है फ्रॉड या एनी ऑफ द ऑफ और बाय एनी पार्टनर। अब एलएलपी फ्रॉड कर रही है मतलब क्या, डेजिग्नेटेड पार्टनर फ्रॉड कर रहे, सिंपल सी बात है। तो अगर एक्ट इज डन बाय एलएलपी और बाय एनी पार्टनर, बराबर है क्या, आप ऐसा कोई हरकत करते हो, इंटेंशन जिसमें आपका क्या है, आप क्रेडिटर को धोखा देना चाहते हो फ्रॉडुलेंट पर्पस से, तो बोले लायबिलिटी ऑफ सच एलएलपी यानी कि एलएलपी एंड पार्टनर शैल बी अनलिमिटेड। समझ में ही बात, एलएलपी और पार्टनर कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें सामने वाले को धोखा देने की कोशिश की जा रही है, उस सिचुएशन में एलएलपी और पार्टनर सबकी लायबिलिटी अनलिमिटेड कर दी जाएगी, बोले करो कितना फ्रॉड करना है हम भी देखते हैं, बराबर है क्या। ठीक, दूसरी बात ये बोल रहा है, अगर मान लो एलएलपी के नॉलेज के बिना आपने कोई ऐसी हरकत की, एलएलपी को नहीं पता था, एलएलपी को नहीं पता था मतलब डेजिग्नेटेड पार्टनर को नहीं पता था, उसके नॉलेज के बिना आपने कुछ किया, कहने का मतलब है डेजिग्नेटेड पार्टनर इज इक्वल टू एलएलपी, डेजिग्नेटेड पार्टनर के नॉलेज के बिना आपने अगर फ्रॉडुलेंट हरकत की है तो फिर एलएलपी लायबल होने वाली नहीं है, लेकिन डेजिग्नेटेड पार्टनर भी तुम्हारे साथ मिला हुआ था और साथ में मिलकर फ्रॉड कर रहे थे तो पूरी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। ठीक है सर, समझ में आ गया। सेकेंड पॉइंट और यहां पे क्या बोला है, देखो, इफ एक्ट इज डन एज मेंशन इन सबसेक्शन 1, एक्ट इज डन एज डन मतलब फ्रॉडुलेंट वाला, इफ एक्ट इज डन एज मेंशन इन सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 में फ्रॉड वाला बताया था, हर पर्सन जो भी पार्टी था उस एक्ट में जो भी फ्रॉड कर रहा था उसको 2 साल की जेल, कम से कम 50,000 का फाइन, मैक्सिमम 5,00,000 का फाइन। ठीक है सर, और बोले जो भी एलएलपी और उसके जो पार्टनर और उसके जो डेजिग्नेटेड पार्टनर और उसके जो इंप्लॉई हैं जो फ्रॉडुलेंट मैनर में काम कर रहे थे उनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग तो चलेगी ही चलेगी, साथ साथ में दे आर लायबल टू पे कॉम्पनसेशन, जिनको भी तुमने 21 दिन में पैसा डबल करके उनसे पैसा लिया ना, सब के सब को तुमको कंपनसेट करना पड़ेगा जिसको तुम्हारी वजह से क्या हुआ, लॉस हुआ। ठीक है सर, यह भी समझ में आ गया सर। अब यहां पे आता है विसल ब्लोइंग। विसल ब्लोइंग एक नया कंसेप्ट है, आज तक पूछा नहीं, मैंने इंपॉर्टेंट भी मार्क किया, आ सकता है। अब विसल ब्लोइंग का कंसेप्ट क्या है समझ के लेना, वैसे तो विसल ब्लोइंग का मतलब होता है सीटी बजाना, लेकिन यह कंसेप्ट पूरा अलग है। जैसे कि मान लो अगर किसी एलएलपी में गलत हरकत हो रही है, फ्रॉडुलेंट काम किया जा रहा है, 21 दिन में पैसा डबल किया जा रहा है, एलएलपी का ऐसा है बता दिया गया, एम्प्लॉय को भी बोल दिया है, पार्टनर को भी पता है कि पब्लिक से पैसा ले रहे हैं, चिट फंड टाइप का काम कर रहे हैं, 21 दिन में पैसा डबल कर देंगे बोल रहे हैं, लेके भाग जाएंगे। तो अगर मान लो ये फ्रॉडुलेंट हरकत कर रहे थे और किसी भी पार्टनर ने किसी भी एम्प्लॉय ने कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन दी कंसर्न अथॉरिटी को कि अथॉरिटी को जाके बोला कि सर ये लोग फ्रॉडुलेंट मैनर में काम कर रहे हैं, मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आप इन्वेस्टिगेशन करो, मैं आपकी मदद करूंगा, बस मेरा नाम रिवील मत करिएगा, इस कंपनी के अंदर इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये गलत गलत चीजें हो रही है, आप जाके कंसर्न अथॉरिटी को बता देते हो तो इसको बोलते हैं विसल ब्लो करना। एक्चुअल में सीटी मार रहे हो आप, बट एक्चुअल में साइलेंट सीटी है और इसमें नियम है
कि जो भी पार्टनर एम्प्लॉय या डेजिग्नेटेड पार्टनर जाके धीरे से कंसर्न अथॉरिटी को ये सारी बातें बता रहे हैं उसका नाम डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा और उसको उसकी पोस्ट से नीचे नहीं लाया जाएगा, उसकी सैलरी कम नहीं की जाएगी, उसको क्रिटिसाइज नहीं किया जाएगा, उसको हरास नहीं किया जाएगा, ये सारी बातें हैं। समझ में आई क्या बात? तो देखो यहां पे क्या लिखा है, कोर्ट और ट्राइब्यूनल मे रिड्यूस और वेव एनी पेनल्टी चार्ज अगेंस्ट एनी पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ एलएलपी। क्यों रिड्यूस कर देंगे, क्यों वेव कर देंगे, क्यों? इफ सच पर्सन पार्टनर और एम्प्लॉय प्रोवाइडेड यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ एलएलपी। तुमने हेल्प की ना, तुमने आगे से आके बता दिया, इसलिए। और यहां पे बोला है कि पार्टनर और एम्प्लॉय जो है ना शैल नॉट बी डिस्चार्ज डीमोटेड, उनकी सैलरी कम नहीं की जाएगी, उनकी पोस्ट नहीं कम की जाएगी, सस्पेंड नहीं होगा, थ्रेटन्ड नहीं होगा, हरास नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा मेयरली बिकॉज ही इज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर सच इन्वेस्टिगेशन। आपने जस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, इसके लिए आपको ऐसा नहीं कि हम बताएंगे करके, ठीक है? चलिए उसके बाद ऐसा है, लास्ट पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है, वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन। वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन का मतलब ये है, अगर एलएलपी डिसाइड करती है टू बी वाउंड अप बाय ट्राइब्यूनल, एलएलपी बोलती कि भाई हमको वाउंड अप कर दो ट्राइब्यूनल, तो ये ऐसी ऐसी सिचुएशन है जहां पे वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन हो जाएगा। वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन आर टू डिफरेंट थिंग्स। वाइंडिंग अप का मतलब होता है सारी एसेट बेच के लायबिलिटी पे ऑफ करना, डिसोल्यूशन का मतलब होता है लॉ के प्रोसेस से एलएलपी को ही खत्म कर देना। वाइंडिंग अप में एलएलपी खत्म नहीं होती, वाइंडिंग अप में सिर्फ लायबिलिटी पे होती है एसेट बेच के, डिसोल्यूशन में एलएलपी ऑन पेपर्स खत्म हो जाती है। तो एलएलपी ने डिसाइड किया कि हमको ट्राइब्यूनल से वाउंड अप होना है, कर देंगे। नंबर ऑफ पार्टनर अगर आपके बिलो टू हो गए और ऐसा होते होते छह महीने से ज्यादा हो गया, बंद करो। एलएलपी अनेबल टू पे इट्स डेट्स है, बंद करो। एलएलपी ने अगेंस्ट द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया काम किया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। याद करो डेमलर कंपनी वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर्स जो अपन कल पढ़े थे, डेमलर ने पैसा नहीं दिया था कॉन्टिनेंटल टायर्स वाले को, क्यों? वॉर चल रहा था, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हो जाता। अगर एलएलपी भी ऐसी कुछ हरकत कर रही कि वॉर चल रहा है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही किसी दूसरी कंट्री के एलएलपी के साथ, तो वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, अगेंस्ट पब्लिक ऑर्डर है, बंद करवा दिया जाएगा। डिफॉल्ट किया आपने फाइलिंग ऑफ रजिस्टर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी, ये फाइल करना पड़ता है आरओसी को। लगातार पांच साल तक आपने या तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी फाइल नहीं किया या तो एनुअल रिटर्न लगातार कॉन्जिक्यूटिव फाइव ईयर्स बोला है। कहने का मतलब है आपने एक साल किया फिर नहीं किया, एक साल किया फिर नहीं किया, एक साल किया फिर नहीं किया, ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में पांच साल हो तो नहीं चलेगा। लगातार पांच साल आपने या तो एनुअल रिटर्न या तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी दोनों में से कोई भी एक लगातार पांच साल तक फाइल नहीं किया, आपको बंद किया जाएगा। और यहां पे देखो बोला है, इन द ओपिनियन ऑफ ट्राइब्यूनल इट इज जस्ट एन इक्विटेबल। पार्टनरशिप में याद करो जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड कौन सा था? डेडलॉक इन मैनेजमेंट, पार्टनर बात ही नहीं करते, सबस्ट्रेटम लॉस्ट हो गया या परपेचुअल लॉस है, आगे कोई फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने का चांस ही नहीं है। इन सारी सिचुएशन में एलएलपी को वाउंड अप करके डिसॉल्व करवा दिया जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यहां पे अपना एलएलपी हो जाता है खत्म। एक घंटा बोला था, 15 मिनट ज्यादा लगा हो तो 15 मिनट स्टार्टिंग में अपन बातचीत ज्यादा कर लेते हैं, ठीक है? सो दैट्स ऑल राइट, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। मैं लेके आऊंगा बीच बीच में आपके लिए कि लॉ को वो जो लर्न करना सेक्शन ये वो, उसके लिए भी कभी लाइव सेशन अपन करेंगे आराम से, ठीक है? सारे मैराथन आज अपने खत्म हो गए हैं एंड आई होप आपको लॉ में अब कोई तकलीफ नहीं होगी। बहुत सारा पढ़ लिया यार लॉ में, अब इंटर में सीधा मिलेंगे अपन। सर अनअकैडमी वाला क्या सीन है? मतलब समझा नहीं अनअकैडमी वाला क्या सीन है, क्लियर पूछे अपना क्वेश्चन। यस थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, आप लास्ट तक बने रहे मेरे से। हाँ हाँ बिल्कुल, मोटिवेशन भी बना देंगे, मजा ही आ गया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आप कल बोल रहे थे ना, अरे क्या बोल रहा था भाई, मैं क्या बोल रहा था, नहीं पढ़ाने वाला हूं मैं अनअकैडमी में, नहीं पढ़ाने वाला हूं। यस यस, बाय टू एवरीबॉडी। जयवर्धन बोल रहा है मैसेज पढ़ा लेकिन मैसेज सीन करके छोड़ दिया, वापस से भेज बेटा, तेरा मैसेज मेरे को शायद उतना रेलेवेंट नहीं लगा होगा, शायद इसलिए कर दिया होगा। यस चलिए जी, शुक्रिया टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। एक आध वीडियो अपन और आते हैं बीच बीच में, मैं मिलते रहूंगा, लाइव आते रहूंगा, आपको इन्फॉर्म कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में।
और आपकी जो भी क्वेरी रहेगी अपन बीच बीच में सॉल्व कर लेंगे। जी ठीक है, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, बढ़िया घर पे आराम से बैठ के पढ़ो, अपन मिलते हैं आराम से, बाय बाय, टेक केयर।